हेलो <coughs> एवरीवन नमस्कार वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी से हिंदी मैं प्रोफेसर सुनील अभ्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सभी का स्वागत करता हूं चलिए शुरू करते हैं आज हिंदू द हिंदू बिजनेस लाइन इंडियन एक्सप्रेस का इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट सेशन और आज हम चार एडिटोरियल करेंगे बड़े जबरदस्त एकदम से नए आपको मजा आएंगे और ये जो इनोवेशन किया गया है ये इनोवेशन यानी आप सबके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर आप लोगों को विचार करना है और यह सेशन उन सभी एक्सपेरेंट के लिए महत्वपूर्ण होता है जो आई की तैयारी करते हैं उसके साथ साथ जो भी एक्सपेरेंट स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी चाहे वो महाराष्ट्र पीसीएस की कर रहे हो ओडिशा पीसीएस की कर रहे हो या जहां पर भी गुजरात पीसीएस की कर रहे हो उत्तर प्रदेश पीसीएस बिहार पीसीएस या अन्य सभी पीसीएस जिनका पैटर्न यूपीएससी के जैसा यानी जहां पर जीएस और ए और एथिक्स सिलेबस का पार्ट है वहां के लिए ये क्लास उतनी ही महत्वपूर्ण है किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए क्योंकि आई ही सबसे महत्वपूर्ण है जो आप सीखते हैं मेरे साथ चलिए शुरू करते हैं आज क्या क्या हमारे पास है आज का जो पहला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो फाइव के ऊपर है कि फाइव किस प्रकार से एक नए शहरी भारत का निर्माण करेगा यानी एडिटोरियल राइटर ने कहा है कि जो 5G की तकनीक अब हम अपना रहे हैं <coughs> सॉरी थोड़ा गला खराब है सॉरी थोड़ा बीच बीच में चलेगा <coughs> तो जो 5G तकनीक हमारे सामने है इससे हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे और ये एडिटोरियल उन्होंने इसी अप्रोच से लिखा है लेकिन इसमें मेरी तरफ से जो इंटरवेंशन किया गया वो बड़ा आपको सबसे ज्यादा फायदा वो करेगा कि हम एक नए भारत एक नए शहरी भारत का निर्माण करेंगे लेकिन क्या हम असमानता को बढ़ावा नहीं देंगे कि 5G अगर केवल शहरों में अभी है तो जब तक शहर डेवलप हो जाएंगे तो रूरल एरिया जो हमारा है जहां पर 69 परसेंट आबादी है वहां तक हम विकास को किस प्रकार से लेके जाएंगे क्या ये गैप नहीं हो जाएगा तो हम इसको समावेशी विकास से जोड़ करके देखेंगे जीएस पेपर टू आ, थ्री मजा आएगा इसके साथ साथ अगला जो एडिटोरियल है बहुत बढ़िया है आपके सामने हम यह पढ़ने जा रहे हैं भारत की आर्थिक नीति में क्या नैतिक और बौद्धिक संकट है देखिए सबसे बड़ी चीज होती है ना ये जो वर्ड यहां पर यूज किए जाते हैं कि भारत की आर्थिक नीतियों में नैतिक और बौद्धिक संकट आप याद करिए सीधा सीधा 2015 में प्रश्न पूछा गया था कि भारत के समक्ष संकट आर्थिक या नैतिक तो यहां ये हम पढ़ने जा रहे आर्थिक नीति पॉलिसी अपना रहे हैं उसमें क्या क्या एथिकल इश्यू हैं और क्या क्या इंटेलेक्चुअल इश्यू हैं तो ये एक बहुत बढ़िया एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं बहुत एकदम नए ढंग से आप इकोनॉमी पर सोचने की क्षमता डेवलप कर पाएंगे और बहुत से प्रश्न आप देखेंगे इससे आई क्यू आई पी हो रहे हैं तो ये दूसरा टॉपिक हम देखेंगे तीसरा टॉपिक हमारा है ग्राउंड वाटर के ऊपर जबरदस्त एक एनालिसिस होगा कि भारत में ग्राउंड वाटर की स्थिति क्या है उसमें क्या क्या चिंताएं हैं और भारत सरकार उन चिंताओं को समझ करके कौन कौन सी नीति हमारे सामने रख रही है जिसके द्वारा हम ग्राउंड वाटर को मजबूत कर रहे हैं तो ग्राउंड वाटर के ऊपर हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे इसके बाद आपका चौथा एडिटोरियल होगा सिंधु जल संधि के ऊपर सिंधु जल संधि के ऊपर भारत सरकार ने पाकिस्तान को एक पत्र लिखा है उसी पृष्ठभूमि में हम सिंधु जल संधि के बहुत से एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे 2016 में ज्योग्राफी में जीएस टू में सीधा सीधा क्वेश्चन सॉरी जीएस वन में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर अगर आप देखना चाहते हैं तो एटीन नंबर क्वेश्चन है ज्योग्राफी तो हम यानी सिंधु जल संधि के आज सभी एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे आ की दृष्टि से भी और उसके साथ साथ भूगोल की भी दृष्टि से और उसके साथ साथ निबंध की भी दृष्टि से तो ये चार एडिटोरियल आज के हमारे हैं और उसके साथ ये दो न्यूज हैं पहली और दूसरी जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आज अपने पास फोर जीरो फोर यानी कुछ भी नहीं क्योंकि किसी भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटना का जिक्र नहीं किया गया है जिसको यहां पर स्थान मिलता सिंधु जल संधि का जिक्र था तो मैं चाहता यहां डाल सकता था लेकिन यहां इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि वो वहीं पर फिट बैठ रहा है क्योंकि सिंधु जल संधि के बारे में डिटेल से हमें पढ़ना है तो इसीलिए यहां पर उसको नहीं डाला गया बाकी और कोई संगठन चर्चा में नहीं था पीआईबी का आज हम यानी आठ बजे जो क्लास चल रही है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे और आज एडमिशन लेने की आखिरी तिथि है यानी जो ऑफर है आज लास्ट डेट है तो जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो यहां पर आकर के अपनी यानी तैयारी कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं तो पहला टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस लाइन का द हिंदू और टॉपिक क्या है फाइव जी बिल क्रिएट अर्बन इंडिया कि जो फाइव जी तकनीक है यह एक नए शहरी भारत का निर्माण करेगी तो जैसे इन्होंने कहा कि यह एक शहरी भारत का निर्माण करेगी और कैसे करेगी कैसे करेगी तो ऑब्वियस अर्बन इकोनॉमी को मजबूत करेगी सिंपल सी बात है चुकी अभी शहरों में भी वो भी कुछ खास शहरों में ही लागू की जा रही है तो जैसे ही यह टॉपिक आया तो मेरे दिमाग में पहली चीज तो पॉजिटिव बाई कि भाई हमारे शहर ही जीडीपी के केंद्र हैं तो ऐसे में 5G अगर शहरों को मजबूत कर रही तो हमारी जीडीपी मजबूत होगी ये पॉजिटिव पॉइंट्स जिस पर एडिटोरियल राइटर की तरफ से भी अपनी अपनी बात कही गई है लेकिन इसी के साथ मेरे मन में एक दूसरा बिंदु आया जिसको आप लोगों को नोटिस करना है और वह बिंदु यह है कि अगर हम एक नए शहरी भारत का निर्माण करेंगे तो क्या हम ग्रामीण भारत को पीछे तो नहीं छोड़ रहे पॉइंट को समझिएगा पॉइंट को समझिएगा यानी जो हमारा रूरल इंडिया है जो हमारा ग्रामीण भारत है क्या इसको हम पीछे तो नहीं छोड़ रहे क्योंकि जब हम पढ़ते हैं जरा ध्यान से ऑक्सफर्म की रिपोर्ट पढ़ते हैं विश्व असमानता वर्ल्ड इन रिपोर्ट पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं हम ये पढ़ते हैं कि भाई असमानता बढ़ रही तो जो ये असमानता है अपने आप तो बढ़ती नहीं है इसका मतलब है कि अगर एक क्षेत्र विशेष को तकनीक का लाभ मिलेगा अन्य सुविधाएं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा तो ऑब्वियसली जिस क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा तकनीक का लाभ मिलेगा वह क्षेत्र ज्यादा विकसित होगा वहां के लोगों की जो इनकम है वो बढ़ेगी वो डबल होगी ट्रिपल होगी बट जहां पर यह तकनीक नहीं है जहां पर सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पर विकास कैसे पहुंचेगा तो इसका मतलब वह क्षेत्र पिछड़ जाएगा <coughs> इसीलिए आज यहां पर यह बात कही जा रही है कि हमें दूसरे एंगल से भी देखने की जरूरत है कि अगर हम केवल शहरों पर ही फोकस रहेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस प्रकार से हम मजबूत करेंगे तो हमें इस प्रकार की पॉलिसी अपनाने की जरूरत है कि हम दोनों को साथ लेकर के चल सके जिससे असमानता कम हो और समावेशी विकास की संभावना साकार हो तो एक पॉइंट इनकी तरफ से एक पॉइंट मेरी तरफ से दोनों पॉइंट को एक साथ लेकर के चलना और खुद सोचिए क्या यह तर्क जो मैं कर रहा हूं वैलिड है कि नहीं यह वैध तर्क है कि नहीं तो आपके मन में आएगा कि हां सर यह बिल्कुल वैध तर्क है दोनों बातों को हमें ध्यान में रखना इसीलिए कोई भी चीज पढ़े तो उसको हमें आंख बंद करके फॉलो नहीं करना एक पार्ट इनका सॉलिड है लेकिन दूसरे पार्ट का जिक्र तक नहीं किया तो वही मैं आपके सामने रख दे रहा हूं तो चलिए चलते हैं यानी मुद्दा वही है टेक्नोलॉजी का पहले मैं न्यूज बता दू फिर आऊंगा मॉडल क्वेश्चन और इसके साथ साथ यानी जो भी प्रीवियस के क्वेश्चन है तो भारत में 5G जो सर्विस है उसकी औपचारिक रूप से शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की एक अक्टूबर 2022 भारत के इतिहास में विज्ञान प्रौद्योगिक इतिहास में एक माइल स्टोन है फाइव टेक्नोलॉजी हमारे यहां शुभारंभ हो गई और भाई टेक्नोलॉजी अगर हमारे यहां शुभारंभ हो रही है तो इसका लाभ सभी को मिलेगा क्योंकि अगर आप फोर में थे अब फाइव में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा यानी आपकी स्पीड चाहे आपका मोबाइल इन यूज करने की स्पीड हो इन किसी भी प्रकार का यानी आप चाहे प्राइमरी एक्टिविटी कर रहे हो सेकेंडरी क्षेत्र में हो टर्शियरी में हो यानी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में जहां पर भी आप हैं वहां पर काम करने की स्पीड अप क्या होने वाली कई गुना बढ़ने वाली यानी आपके पास डेटा तुरंत आएंगे कोई भी आप इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी चाहते हैं तुरंत मजबूत होगी तो डिमांड और सप्लाई का रिलेशन 5G आने से बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता था उत्पादन की जो लागत है वो भी कम हो जाएगी कैसे पहले कोई चीज दो रोज में आपके पास आती थी अब वह इस स्पीड के कारण एक ही रोज में आएगी तो एक रोज की जो कॉस्ट है वो तो कम हो जाएगी ना तो कहने का मतलब 5G हमारे जीवन में और इस व्यवस्था में क्रांति लाने वाली तकनीक है इससे हम इनकार नहीं कर सकते इसी विषय पर सारा एडिटोरियल फोकस किया गया है तो न्यूज यही है कि फाइव आ गई है और फाइव देख सकते हैं सबसे पहले केवल तेरह शहर में आ रहा है ये सारे शहर का नाम है यहां पर आप देख सकते हैं ये सारे बड़े शहर हैं जिन्हें हम मेट्रो शहर कह सकते हैं तो ये एक बार आप देख लीजिएगा अक्टूबर एक दो हजार बाईस इसमें मुझे समय देने की जरूरत नहीं वॉट इज फाइव जी फाइव जी क्या पांचवी पीढ़ी की सेलुलर टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग मोबाइल संचार के लिए किया जाता जो फोर जी से बहुत ज्यादा तेज है उसकी तुलना में बीस गुना ज्यादा तेज है फोर जी के कंपेयर में ट्वेंटी फोर ज्यादा तेज है बीस गुना ज्यादा तेज है तो इसका मतलब है डॉट जो भी डेटा होते हैं उनकी प्रोसेसिंग 20 गुना तेज होगी तो, तो स्वाभाविक रफ्तार भी जो फोर जी में हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हुए जो हम विकास कर रहे थे तो उसका बीस गुना विकास फाइव जी के साथ हो जाएगा यही यहां पर कहा गया है तो आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी है 20 गुना तेज गति से चलेगी 4G के कंपेयर में ध्यान रखेगा और हमने 2022 में इसे अपना लिया आई होप यह मुद्दा यहां तक आपका क्लियर हो गया अब मैं एक मिनट के लिए एक जिक्र और कर दूसरे फाइव 5G 2019 में अमेरिका में शुरू हो गई थी 2019 में ही अमेरिका में तो अबियस हम तीन साल तो अमेरिका से पीछे रह गए यह भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो यह सारी बातें हैं अब आता है नए भारत के लिए फाइव क्यों महत्वपूर्ण है ठीक है तो भाई नए भारत के लिए 5G क्यों महत्वपूर्ण तो यहां एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया गया ये सब वर्ड आप लोगों को एग्जाम में कॉपी में लिखना है मजा आता है ऐसे वर्ड क्यों महत्वपूर्ण हम चाहते यहां पर देखिए एस्ट्रोनॉमिकल इंक्रीज इन इन मोबाइल यूजर्स द पास क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखें आप पिछले दशक में मोबाइल उपयोगकर्ताओं में खगोल की वृद्धि एस्ट्रोनॉमिकल बहुत तेज वृद्धि तो आप ऐसे लिखेगा हिंदी में खगोल की वृद्धि ब्रैकेट में तीव्र वृद्धि हुई अब आप देखें मोबाइल यूजर्स की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी है और आपके सामने एग्जाम्पल है अब जो जो YouTube पर पर या सोशल मीडिया पर जो रील्स बन रही हैं हैं आप उनकी संख्या को देख मन लगा सकते कि हर इंसान इस समय रील बना रहा है आप ऐसा देख सकते हैं नए भारत के लिए 5G क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि मोबाइल यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है ऐसे में जो 5G के द्वारा बहुत तीव्र बहुत तीव्र संचार उपलब्ध कराया जाएगा तो उसका उपयोग हम मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्र में उपयोग करते हुए यानी हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रांति ला सकते हैं तो इन्होंने केवल मैन्युफैक्चरिंग पर जिक्र किया लेकिन मेरा कहना है कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि वानिकी पशुपालन मत्स्य उसमें भी सेकेंडरी और टर्सरी सभी क्षेत्रों में हम फाइव के द्वारा क्या ला सकते हैं यानी क्रांति ला सकते हैं इनफैक्ट जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है शिक्षा इन सब में भी हम बेहतर कर पाएंगे याद रखेगा तो फाइव इसलिए महत्वपूर्ण है मैंने स्टार्टिंग में आ, आपको बता दिया कि कोई भी चीज हमारे पास जब स्पीड से आएगी हम प्रोसेस स्पीड से करेंगे तो स्वाभाविक है कोई भी चीज जो पहले कंप्लीट होने में एक्स टाइम लेती थी अब वो कम समय लेगी तो जो यह बच रहा है ये कॉस्ट ही तो बच रही है तो इकोनॉमी के लिए ये लाभदायक होगी इकोनॉमी के सही सभी क्षेत्रों के लिए लाभदायक होगी अब यहाँ पर एक सर्वे है डेलाइट इंडिया और भारतीय उद्योग यानी परिसंघेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सी आई आई सर्वे किया उस सर्वे में क्या कहा गया है अब देखिए कि जो 5G टेक्नोलॉजी को अपनाया हमने तो जो भारत का दूर संचार उद्योग है देखिए एक उद्योग का जिक्र आ गया किसका दूर टेलीकॉम इंडस्ट्री है इंडिया की दूर संचार उद्योग प्रत्येक तीन वर्ष में 12.5 बिलियन डॉलर की वृद्धि करेगा यानी हर तीन साल में उसमें 12.5 12.5 बिलियन डॉलर इंक्रीज हो जाएगा उसकी ग्रोथ तो इसका मतलब है ये सारा इसका फायदा है और ये क्या करेगा जीडीपी को हमारी बढ़ाएगा रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा और इसके अलावा यह शहरी और ग्रामीण आबादी को जोड़ेगा भी ठीक है तो ये सारे काम ये करेगा इसको आप याद रखेगा तो फाइव जी के क्या क्या फायदे इसको जरा आप एक बार ध्यान रखिएगा ठीक है ना अब हम आगे इसके बाद हम पढ़ते हैं कि फाइव जी तकनीक को जब हम अपनाएंगे तो हमारे जो उद्योग है उनको विशेष लाभ होगा ठीक है जैसे स्वास्थ्य सेवा में जो भी काम करने वाले शिक्षा क्षेत्र में खुदरा यानी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को लाभ मिलेगा जो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया ठीक है ना तो ये सारी बातें हैं जो आपको बताई गई अब आता है पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ फाइव तो इसका मतलब 5G सभी प्रकार से हमारी जी को बढ़ोतरी दे रहा है ना केवल जी डी पी को अपित तो रोजगार भी हमें प्रदान कर रहा है ध्यान रखेंगे तो 5G का संभावित इंपैक्ट और कहां कहां होगा यह मैं आगे बताऊंगा अब इतना बताने के बाद पहले आई क्यू कर लिया जाए ठीक है क्योंकि यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप सब जो भी हमारा आईक्यू आई पी है उसके लिए काम भर को तैयार हो चुके हैं तो सबसे पहले आईक्यू आई करते हैं किस विषय पर यानी सबसे पहला आईक्यू आई होगा यहां पर निबंध 2013 में जो आया हुआ था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन राष्ट्र के विकास व सुरक्षा के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है तो आप बता सकते हैं इस निबंध को अगर आज लिखना हो यानी यही ऐसे थोड़े बहुत भाषा चेंज के साथ 2023 में आ जाए 2024 में आ जाए यानी 25 में आ जाए तो अब आप बताएं क्या इस निबंध में 5G टेक्नोलॉजी आएगा कि नहीं तो आप लिखेंगे हाँ भैया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है एग्जाम्पल आप देंगे उदाहरण देंगे फाइव टेक्नोलॉजी का कि फाइव टेक्नोलॉजी आने से राष्ट्र का विकास कैसे सुनिश्चित होगा कई पॉइंट हमने वहां पर जिक्र कर लिए कुछ पॉइंट अभी और आपके सामने रखने जा रहा हूं तो इस निबंध में एक अच्छा खासा पैराग्राफ स्ट्रॉन्गली आप लिख सकते हैं जो भी मैंने चर्चा की है उसके आधार पर तो यही है यूपीएससी आगे कोई भी प्रश्न आएगा तो इसी से मिलता जुलता आएगा मुद्दे कभी नहीं बदलते हैं हमेशा याद रखिएगा नाइनटी में भी ऐसा ही मुद्दा रहा है जब ये पूछा गया तब भी ऐसा मुद्दा रहा जब आप मेंस लिखेंगे तब भी ऐसा ही मुद्दा रहेगा तो मुद्दे कभी नहीं बदलते हैं उस मुद्दे के लिए जो कंटेंट होता है वो समय के साथ चेंज होता रहता है ये चीज आपको अपने दिमाग में रख लेना है तो पहला देख सकते हैं हंड्रेड परसेंट आई क्यू हुआ कि नहीं एक बार कमेंट करिए भाई हंड्रेड परसेंट आई क्यू हुआ कि नहीं अब आई क्यू का मतलब ये मेरा नहीं रह गया कि आई क्यू आप सबका है मैं अब एक माध्यम बन चुका हूं आई क्यू के असली गॉडफादर आप सब बच्चे हैं जो दबा के करते हैं कुछ बच्चे तो मेरे हिंदी साहित्य में मैंने टेस्ट लिया था अक्सर मैं लेता रहता हूं क्लास में तो जो है हिंदी साहित्य में ऐसा आई क्यू आई पी कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य लिख रहे हैं थर्टी परसेंट और आई क्यू आई पी करें सेवेंटी परसेंट यानी करेंट्स उसको बहुत ज्यादा जोड़ दे रहे हैं तो मैं वहां पर भी सतर्क हूं इसीलिए टेस्ट कराता रहता हूं तो मैंने बच्चों को फिर डांट लगाई कस करके हमने कहा साहित्य लिख रहे हैं आप ऑप्शनल लिख रहे हैं। तो साहित्य का जो साहित्यपन है वो खत्म नहीं होना चाहिए तो सेवेंटी परसेंट हमारा साहित्य रहता है 20 हम यानी उसमें चीजों को कनेक्ट करते हैं हाँ, अगर वो साफ साफ कह रहा कि कबीर की वर्तमान प्रासंगिकता बताइए या गांधी की वर्तमान प्रासंगिकता देन फिर आप वर्तमान के ढेर सारे मुद्दे ला सकते हैं तब आप फिफ्टी फिफ्टी कर सकते कि उनकी लर्निंग्स और उनकी जो टीचिंग है उनकी शिक्षा और उनका आज के समय में उपयोग तो यह आईक्यू आईपी आप लोग जबरदस्त रूप से यूज कर रहे ठीक है तो ये यह आईक्यू आईपी आपका सौ परसेंट कनेक्ट हुआ कि नहीं ठीक है एक चीज हो गया अब आता है दूसरा अब मैंने यहां लगाया जीएस थ्री अब आप देख लीजिए फाइव जी टेक्नोलॉजी यानी साइंस टेक का है वो यहां पर मिस हो गया स्लाइड लगी थी हो सकता है अपडेट ना हो पाई हो यहां पर जीएस थ्री में ये लगा था उसके साथ साथ साइंस एंड टेक वाला यानी सिलेबस का पार्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग रोजमर्रा के जीवन पर उसका इंपैक्ट तो 5G टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई है तो ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ विषय है और रोजमर्रा के जीवन पर उसका इंपैक्ट तो साइंस टेक पर हमने एक ऐसे कर लिया कोई भी कोई भी प्रश्न आएगा तो वैसा ही आएगा जैसा कि ये मॉडल प्रश्न आपके सामने ठीक है अब जरा इस मॉडल क्वेश्चन को देखिएगा फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें विज्ञान भी है इसमें समावेशी विकास भी है इसमें गरीबी एवं विकासात्मक विषय भी है यानी इसको कई एंगल से मैंने जोड़ दिया है प्रश्न की भाषा को देखिएगा फिर मैं चलूंगा बताऊंगा वहां पर पेपर में द लॉन्च ऑफ फाइव जी बिल क्रिएट अर्बन इंडिया एज वेल एज फर्दर डीप द रूरल अर्बन डिवाइड इन इंडिया फाइव जी की लॉन्चिंग एक नए शहरी भारत का निर्माण करेगी बिल्कुल सही बात है क्योंकि शहरों में ही अभी लागू हो रही और साथ ही भारत में ग्रामीण शहरी विभाजन को और गहरा करेगी रूरल अर्बन डिवाइड बढ़ाएगी चूंकि शहर जहां पर भी फाइव आएगी वो ग्रोथ के इंजन होंगे और उस शहर की जीडीपी भी बढ़ेगी वह उस शहर में रहने वाले चाहे स्किल्ड वर्कर हो चाहे सेमी स्किल्ड वर्कर हो या अनस्किल्ड वर्कर हो सबको कुछ ना कुछ काम मिलेगा अरे भाई अनस्किल्ड को भी काम मिलेगा ना जैसे मैं कहूं अनएकेडमी फाइव जी टेक्नोलॉजी पे ऑबियस चल रही है तो वहां पर गेट खोलने वाले हाउस कीपिंग करने वाले उनको भी तो काम में मिलेगा ना तो सिंपल सी बात है ठीक है तो वो सबको रोजगार प्रदान करेगा ठीक है बट ग्रामीण शहरी विभाजन को बढ़ावा देगा ऑब्वियस है कि अगर गांव में नहीं है तो शहर आगे बढ़ेंगे गांव जहां है वहीं स्टेबल रहेगा यानी अगर ग्रोथ भी करेगा तो थोड़ी धीमी गति से ध्यान रखेगा अब आता डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट क्या आप इस कथन से सहमत है तो भाई हम तो कहेंगे हाँ बिल्कुल सहमत है सहमत क्यों है मैंने आपको बताया ही पॉइंट गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर अपने जवाब का समर्थन करने के लिए कारण बताइए अगर आप कहते हैं हां तो कारण बताइए इसको आपको ध्यान से समझने की जरूरत है ठीक है हालांकि अभी 5G में हम आरंभिक स्तर पर हैं तो जब भी मेंस लिखेंगे तो हम संतुलित अप्रोच ले चलेंगे ऐसा नहीं कह देंगे हाँ बिल्कुल होने वाला है शहरी ग्रामीण विभाजन हो ही जाएगा आप कहेंगे कि प्रारंभिक अवस्था में है अभी 5G टेक्नोलॉजी तो कुछ शहरों में फेज वन में ये शुरू की गई धीरे धीरे इसका विस्तार अन्य शहरों की तरफ होगा लेकिन यह मेरा सुझाव यानी आप उसमें लिखिएगा कि ग्रामीण भारत तक भी 5G टेक्नोलॉजी को पहुंचाने के लिए हमें द्रुतगामी अभ्यास करने की प्रैक्टिस करने की जरूरत है अन्यथा डिवाइड बढ़ेगा ठीक है तो ये आप यहां पर संतुलित होकर के लिखना इसीलिए मैंने देख सकते हैं फाइव जी टेक्नोलॉजी साइंस टेक लगा दिया फिर इसके बाद यानी यहां पर गरीबी और विकासात्मक विषय के साथ भी कनेक्ट कर दिया और इसीलिए आप देख सकते हैं सिलेबस लिखा है समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय इंक्लूसिव ग्रोथ तो समावेशी विकास में अगर फाइव टेक्नोलॉजी प्रारंभिक स्तर पर शहरों में रहेगी तो शहर जो है मजबूत होंगे और ग्रामीण भारत और शहरी भारत में जो लोग रह रहे हैं उनकी आय के बीच में जो अंतराल है वो बढ़ता जाएगा और जब भी वर्ल्ड इनइलिटी रिपोर्ट आएगी तो वह इनक्वलिटी रिपोर्ट हमेशा इसी बात को आगे बढ़ाएगी कि भारत में लोगों की आय बढ़ी है लेकिन अमीर और गरीब के बीच में जो आय की असमानता है वह भी बढ़ी है ऐसा आपके सामने आगे की रिपोर्ट आएगी और ये बिल्कुल सत्य तो समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार को ग्रामीण भारत को भी इसके अंतर्गत शामिल करना चाहिए और इस पर स्पीड से काम करना चाहिए यह नहीं होना चाहिए कि ठीक है तो एक पॉइंट आप यहां पर डाल सकते जीएस वन यानी सोसाइटी में गरीबी और विकासात्मक विषय तो गरीबी को अगर हमें समाप्त करना है तो हमें 5G जी टेक्नोलॉजी को गांव तक लेके जाना पड़ेगा एक दूसरा उस टेक्नोलॉजी का लोग यूज कर सके इसके लिए डिजिटल साक्षरता अभियान को हमें संचालित करना पड़ेगा यानी डिजिटल साक्षरता इस समय भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है आप इस पॉइंट को बताते हुए यहां पर कोई भी प्रश्न आए जैसे आए कि निर्धनता को समाप्त करना है तो क्या करना है तो बहुत से पॉइंट आप लिखिएगा लेकिन एक पॉइंट यह भी लिखिएगा कि जो भी 4G, 5G फाइव जी टेक्नोलॉजी है उससे निर्धन वर्ग को जोड़ना यानी उनको सिखाना यह सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और पंचायत और फिल्म मॉडल को इसमें यूटिलाइज करना चाहिए ध्यान से समझिएगा गवर्नमेंट पंचायत फिल्म मॉडल आपको लगाना होगा जीपीपी मॉडल कि जो भी स्थानीय स्तर पर फिल्म कर रहे हैं एन हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो टेक्नोलॉजी पर अच्छा काम कर रहे हैं उन सब के सहयोग से हमें लोगों को डिजिटली साक्षर करने की जरूरत है तभी हम गरीबी को समाप्त कर पाएंगे क्योंकि एक तरफ एक वर्ग है जो टेक्नोलॉजी से गहर गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ संबंध उसका लाभ उठा रहा है दूसरा टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से वंचित है तो आप बताइए कि दोनों की इनकम में अंतर हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा गरीब हमेशा गरीब रहेगा कि नहीं रहेगा यह विषय भी आपको लिखने की जरूरत है तो यह सारी बातें हुई और जैसे ये सारी बातें हुई ऐसे निकल करके आएगा 2019 का विवेक सत्य को खोज निकालता बिजनेम फाइनस प्रूथ इस निबंध में भी आपको लिखना है कि जो फाइव टेक्नोलॉजी है इसके साथ रूरल जो पॉपुलेशन है जो ग्रामीण जनसंख्या उसको भी जोड़ा जाए समय के साथ अन्य था शहरी और ग्रामीण भारत के बीच में जो आय का अंतर है जो इनकम का गैप है वो ज्यादा बढ़ जाएगा तो यहां पर आप डाल सकते हैं विजडम फाइन ट्रूथ याद रखें यहां पर आ ही जा रहा है 2020 में इसे आया था बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है इसका मतलब है कि फाइव जो टेक्नोलॉजी है वो आर्थिक समृद्धि बढ़ाएगी ठीक है बट याद रखिए अगर वो आर्थिक समृद्धि सोशल जस्टिस के साथ नहीं जुड़ेगी तो आर्थिक समृद्धि बेकार है ऐसे में 5G टेक्नोलॉजी को हमें रूरल स्तर पर भी लेके जाना है जिससे हम रूरल अर्बन के किसी भी डिवाइड को पाटते हुए दोनों स्तरों पर विकास की परिभाषा को आगे बढ़ा सकें और सरकारें ऐसा कर सकती हैं ठीक है और उनको करना चाहिए बस आपको यह सारे पॉइंट यहां पर चिपका देने हैं बाकी मैंने ये सारी बात बता दी अब आता है फाइव का संभावित इम्पैक्ट uh, क्या क्या होगा तो हो गया यानी मोर इन एंड एफिशियंट बिजनेस होगा जो आप कोई भी व्यवसाय करेंगे उसके बारे में आपके पास सूचना ज्यादा होगी और जब उस बिजनेस को आप करेंगे तो आप एफिशिएंट ढंग से पूरी स्पीड के साथ उसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे तो पहला पॉइंट ये हो गया ध्यान रखिएगा दूसरा पॉइंट है बेहतर मोबाइल कनेक्शन होगा और जब बेहतर मोबाइल कनेक्शन होगा तो आप आपकी जो सप्लाई चेन है वो बेहतर ढंग से मजबूत होगी इसके बाद तीसरा है कि कहीं से भी आप काम करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे यानी अब स्पीड के लिए केवल ऑफिस में जाकर के काम करने की जरूरत नहीं घर पर भी आपके उतनी ही स्पीड आएगी ध्यान रखिएगा इसके अलावा जो ऑटोमेशन यानी सेल्फ ड्राइविंग और अन्य ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी है वो यानी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वह इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा यानी ऑटोमेटिक कारें ज्यादा हमारे सामने आएंगी और जैसे फोर्ड बी एमडब्लू टोयटा इन लोगों ने इस पर काम भी करना शुरू किया है इसके अलावा हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बेहतर हो जाएगा भाई समय के साथ अगर हमारे पास अच्छे डेटा होंगे समय के साथ हम उस डेटा पर काम कर सकेंगे बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी डिमांड और सप्लाई का रिलेशन गहरा बनेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अच्छा हमारा काम करेगा याद रखेगा ये सारी बातें आप बताई गई अब इसके बाद एक रिसर्च ग्रुप है किसका यूनाइटेड किंगडम का जिसका नाम है पीडब्ल्यू ये सब रिसर्च ग्रुप का नाम वगैरह आप लिख लिया करिएगा क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी पर आपसे प्रश्न बन सकता है तो यह रिसर्च ग्रुप है यूके का इसकी 5G रिपोर्ट ठीक है ना दो हजार का वैश्विक आर्थिक प्रभाव इसने एक रिपोर्ट निकाली है ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ 5G 5G रिपोर्ट 2021 और इसमें इसने कहा है आप देख सकते हैं कि डॉलर इस इस निशान का मतलब होता है लगभग approximate तो 5G तकनीक लगभग डॉलर 1.3 ट्रिलियन वैश्विक जीडीपी को बढ़ा देगी जितना है उसमें इतना बढ़ा देगी 2030 तक अकेले भारत 42 अरब डॉलर की जीडीपी अपनी बढ़ा लेगा ध्यान रखेगा सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, अमेरिका को चाइना को जापान को जर्मनी को यूके को उसके बाद छठे नंबर पर है इंडिया तो ये सारी बातें हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा इसका मतलब है कि फाइव एक परिवर्तनकारी अगली पीढ़ी का वायरलेस नेटवर्क है जिसका इकोनॉमी पर गहरा इंपैक्ट पड़ेगा और एक नए शहरी भारत का निर्माण होगा उसके साथ मैंने कई पॉइंट वहां पर एडिशनल लगा दिए आप उसको कर लीजिएगा और अभी आठ बजे हम लोग करेंगे यानी मंत्रालय की रिपोर्ट अब आता है द मोरल एंड इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन इकोनॉमिक पॉलिसीज आर्थिक नीतियों में नैतिक और बौद्धिक संकट अब ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने आ जाता है और टॉपिक क्या है आर्थिक नीतियों में नैतिक और बौद्धिक संकट द मोरल एंड इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब इसको जरा आप समझिए एक बात जो भी हम आर्थिक नीतियां अपना रहे हैं उसमें नैतिक चिंता भी है और बौद्धिक चिंता भी इतना बढ़िया है। इस शब्द को पकड़िएगा आर्थिक नीतियों में नैतिक चिंता और बौद्धिक चिंता दोनों को आप जरा गहरे स्तर पर समझिएगा क्योंकि यूपीएससी ऐसा प्रश्न पूछता है फॉर अगर मैं यहां पे देख सकते समझेगा दो आपसे पूछा भारत के सम्मान संकट नैतिक या आर्थिक क्राइसिस फेस्ड इन इंडिया मोरल और इकोनॉमिक अब आप देखें तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है तो हम इसी प्रकार का प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं आर्थिक नीतियां जो हिंदुस्तान की हैं उसको लेकर के इंटेलेक्चुअल संकट क्या है और मॉरल संकट क्या है यानी कि जो हम सोच रहे हैं जो हमारी आर्थिक नीतियों पर सोच है वो बौद्धिक संकट का शिकार है और नैतिक संकट का भी शिकार है तो इस प्रकार से प्रश्न आपके पास आते हैं तो आप लोगों को करने हैं और गहरे स्तर पर हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं बहुत से इसमें आई क्यू आई पी है और वो हम एक बार पहले इश्यू देख लें और फिर बातचीत करते हैं क्या है? भारतीय आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने वाले नैतिक और बौद्धिक संकट का प्रसार हो रहा है एडिटोरियल राइटर का कहना है तो हमें केवल एक विचार अपना डेवलप करना है ठीक है ना क्या है यानी भारतीय आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने वाला नैतिक और बौद्धिक संकट का प्रसार हो रहा है ध्यान रखेगा अब नैतिक और बौद्धिक संकट का जो प्रसार है वो दो एग्जाम्पल से यहां पर समझाया गया इसी के साथ टॉपिक ओपन हो जाएगा तो नैतिक और बौद्धिक संकट क्या है तो यहां पर दो उदाहरण है ठीक है पहला बौद्धिक संकट का है इनके अनुसार दूसरा नैतिक संकट का है. तो बौद्धिक संकट का उदाहरण क्या है ये कहते हैं कि जब दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हो रही थी उसमें टाटा संस के चेयरमैन यानी मिस्टर टाटा ने जो स्टेटमेंट दिया है इनके हिसाब से वो बौद्धिक संकट है अब ये देखो विचार करने के अलग अलग तरीके होते तो हम इनको ऐसे नहीं लेंगे कि यह जो टाटा ने कहा ये बौद्धिक संकट का एग्जाम्पल है अब ये कह रहे हैं अलग बात है हम अपनी कॉपी में ऐसा नहीं लिख सकते लेकिन इस मुद्दे के द्वारा हम बहुत से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस मुद्दे के द्वारा हम बहुत से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है आप इनके स्टेटमेंट को कोट मत करिएगा कि ये बौद्धिक संकट का एग्जाम्पल है गड़बड़ हो जाएगा ठीक है तो अब यहां पर उन्होंने कहा कि रतन मतलब जो टाटा सन्स के चेयरमैन है उन्होंने कहा कि भारत दस ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की संभावना रखता है इसी विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मेरे लिए तीन चीजें सबसे अहम है क्या कहा फॉर मी द थ्री थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट आर ग्रोथ ग्रोथ एंड ग्रोथ यानी मेरे लिए तीन ही चीज सबसे महत्वपूर्ण है समृद्धि समृद्धि और समृद्धि तो इसको एडिटोरियल राइटर ने कहा कि इस प्रकार की अप्रोच क्या है ग्रोथ 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 ये क्या है बौद्धिक संकट है केवल ग्रोथ हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए हमारा लक्ष्य इस ग्रोथ का वितरण भी होना चाहिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए और अच्छी बात है क्यों क्योंकि यूपीएससी खुद ही आपसे प्रश्न पूछ चुका है वितरण न्याय के बिना आर्थिक प्रगति अवश्य हिंसा को जन्म देगी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बिना अगर आप जीडीपी आगे बढ़ाते हैं तो उससे हिंसा होगी और जिसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आपके सामने ठीक है ना तो ये सारी बातें हैं इसी को उन्होंने पकड़ लिया लेकिन हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं ठीक है जैसा समय आएगा उसी हिसाब से हम इनको यूज कर लेंगे ठीक है दूसरा यहां पर कहा गया कि अब नैतिक संकट का उदाहरण क्या है कि दिल्ली में एक रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में मीडिया में कहा गया है कि जी ट्वेंटी कार्यक्रम जो शुरू होने वाले हैं उससे पहले दिल्ली पुलिस के द्वारा फ्लाईओवर के नीचे 150 बेघर लोग रहते थे उनको वहां से क्या कर दिया हटा दिया गया है तो ये है नैतिक संकट का एग्जाम्पल कि बेघर लोग आपके यहां हैं जी ट्वेंटी को आप दिखाना चाहते कि आपके यहां बेघर लोग नहीं है तो इसका मतलब है कि सरकारें हमारी संवेदना शून्य हो चुकी और ये बिल्कुल सही बात है भाई जी ट्वेंटी के जो मेंबर आ रहे हैं क्या उन्हें ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान में गरीबी है जब हमारे राष्ट्र के मुखिया वैश्विक मंचों पर जाकर के बात करते हैं जब डब्ल्यू के मुद्दों पर बातचीत करते हैं तो क्या वो ये नहीं कहते हैं ध्यान से समझिएगा ये मोदी जी का स्टेटमेंट आपको मैं सुना रहा हूं कहते हैं कि भारत एक साथ दो विरोधाभासों को झेलता है दो कॉन्ट्रेक्टिक्शन हैं पहला कि भारत में भारत एक विकासशील राष्ट्र है उभरती हुई अर्थव्यवस्था लेकिन दूसरा वो वही कहते हैं कि भारत में गरीबी भी बहुत ज्यादा है क्लियर ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता ही आता है तो क्या इन नेताओं को यह बात पता नहीं है कि भारत की स्थिति कैसी है हम वर्ल्ड के मंच पर जाकर के सारी बातें कहते हैं ठीक है और उसके पश्चात हम ये चाहते हैं कि जब हमारे यहां विदेशी आए तो उनको हमारे यहां की गरीबी दिखाई ना दे क्यों नहीं दिखाई देगी डब्ल्यू में आप खुद ही जाकर के कहते हैं कि हमें यानी सब्सिडी पर जो हमारी सब्सिडी है खाद्य सुरक्षा पर वो हम देते रहेंगे चूंकि भारत एक गरीब राष्ट्र है उभरती अर्थव्यवस्था लेकिन उसके साथ साथ तो गरीबी भी, भी उसके यहां बहुत ज्यादा है तो ये इसी को इन्होंने कहा है कि यह क्या है यह एक नैतिक संकट का उदाहरण है कि उन लोगों को एक स्थान से उठा करके दूसरी जगह सेट कर दिया बिना किसी प्लान के उनको एक जगह से दूसरी जगह हटा दिया ये दो उदाहरण यहां पर लिए गए जिस पर लिखा गया है याद रखिएगा अब इसी को लेकर के यहां पर मैंने जो जो टॉपिक आपके सामने रखे हैं जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं तो वो यही है जीएस थ्री इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना विकास प्रगति रोजगार क्या क्या है भारत के समक्ष संकट क्या है नैतिक या आर्थिक इस प्रकार का नैतिक संकट और बाकी ये सारे जो प्रश्न है भारत में लगभग रोजगार विहीन समृद्धि आर्थिक सुधार की विसंगति या परिणाम इस विषय को हम पढ़ने जा रहे हैं अभी आगे कैसे पढ़ेंगे वो भी बताऊंगा फिर 2016 का जीएस का क्वेश्चन आया था भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोजगार कैसे कम हुए क्या बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिए हानिकारक है हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द रिडक्शन ऑफ इंप्लायमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज इंक्रीज इन फार्मलाइजेशन डेट्रीमेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री अब ये ये सारे टॉपिक मैं यहाँ कराने जा रहा हूँ इसी से फिर इसके बाद 2016 में पूछा भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियों जिनमें लापरवाह और बेकार जनशक्ति शामिल है पर टिप्पणी कीजिए इन चुनौतियों का सामना करने के उपाय बताए यानी लापरवाह और बेकार जो हमारे कहा जाता है ना कि हमारा यूथ अनस्किल्ड है इसलिए उसे रोजगार मिलता ही नहीं अभी मैं बताने वाला हूं इन सब प्रश्नों को लेकर के यानी ये सारे प्रश्न सरकार से पूछे जाएंगे कि आप ठीक है यह बात कहना ठीक है लेकिन क्या आपके यहां रोजगार है आपके यहां तो रोजगार भी नहीं है तो यही सारी बातें मैं आपको समझाने वाला हूं और मॉडल क्वेश्चन है डू यू सी एनी मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल क्राइसिस अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज इल्यूसिडेट विद एग्जाम्पल क्या आप भारतीय आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने वाले किसी नैतिक और बौद्धिक संकट को देखते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए तो वही सारी बातें हम पढ़ने जा रहे हैं तो ये दो एग्जाम्पल इनको आप याद रखेगा और इन्होंने बहुत अच्छे से कोड भी किया है ग्रोथ 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 क्या हमारा फोकस केवल समृद्धि पर होना चाहिए तो मैंने आपको पहले बता दिया दूसरा कि जो भी बेघर लोग हैं क्या उनको इस प्रकार से हटा करके विदेशियों के सामने अपने आप को एक अमीर देश दिखाना इस देश की वास्तविकता को दिखाता है इन्हीं दो बातों के साथ एडिटोरियल स्टार्ट हुआ और उसके बाद उन्होंने बहुत सी हेडिंग्स में अपनी बात कही आप अखबार ओपन करेंगे तो सारी हेडिंग्स आपको दिखाई देंगी मैं आपको दिखाता हूं जिससे कि आपको यह लगे अब देखिएगा जॉब डिमांड यानी ये उन्होंने अपनी बात बताई एक अलग प्रकार से फिर देखिए जॉब डिमांड इंप्लॉयमेंट इनफॉर्मेलिटी यानी जो भारत की अर्थव्यवस्था का अनौपचारिकरण फिर कंफ्यूजन इन इंप्लायमेंट पॉलिसीज फिर डाउन साइड ऑफ जी ग्रोथ तो ये ध्यान रखें कि इसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा कंटेंट आप पढ़ने जा रहे हैं तो अब इन्होंने ये बताने के बाद फिर जिक्र किया क्या किया क्राइसिस ऑफ जॉब डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मेलिटी नौकरी की मांग और रोजगार की अनौपचारिकता का संकट अब इसका मतलब भारत के सामने दो संकट है जैसे वो प्रश्न आया था ना, भारत के समक्ष संकट आर्थिक या नैतिक तो भारत के समक्ष संकट आर्थिक और आर्थिक में दो संकट आपके सामने पहला संकट है कि जितने लोग जॉब की डिमांड कर रहे हैं आपके पास जॉब नहीं है दूसरा आपके यहां पर इनफॉर्मेलिटी बढ़ती जा रही है यानी आपकी इकोनॉमी का अनौपचारिकरण हो रहा है वह अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल इकोनॉमी है लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो संगठित क्षेत्र है वह भी अब इनफॉर्मल हो रहा है तो यही मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे इनफॉर्मल हो रहा है और उसके साथ साथ यानी हिंदुस्तान में नौकरी की मांग का संकट है कि जो लोग मांग रहे हैं उनके लिए रोजगार उपलब्ध नहीं तो पहले हम ये दो कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं और जब आप ये अनौपचारिकता का संकट पढ़ेंगे उसी समय इस प्रश्न को हल कर पाएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोजगार कैसे कम हुए हैं इस विषय को आप पढ़ पाएंगे याद रखिएगा ग्लोबलाइजेशन के परिणाम स्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोजगार कैसे यानी जो फॉर्मल सेक्टर है गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है जो रजिस्टर्ड है ठीक है ना तो वो इन दोनों में रोजगार कैसे कम हो रहे हैं इस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं आइए पढ़ते हैं क्या क्या बातें लिखी हुई फिर मैं अपना एनालिसिस करता हूं तो यही है कि छोटी छोटी बातें हमें सीखते हुए अपने एनालिसिस के कौशल को बड़ा करना है सिंपल है यूपीएससी यही है तो आइए जितनी नौकरियों की मांग हो रही उसके अनुरूप आपने रोजगार सृजित नहीं किया है साफ साफ कहा गया है और फिर इसके बाद कहा गया कि जो नौकरियां भी हैं वह जो लोग नौकरी करते हैं उनको उनके काम का उचित वेतन नहीं मिलता है और सामाजिक सुरक्षा भी लोगों के पास नहीं है याद रखेगा ठीक है यहां पर उन्होंने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छी नौकरियां पैदा नहीं हो पा रही हैं रोजगार का नुकसान क्यों हो रहा है क्योंकि अब देखेगा रोजगार का नुकसान क्यों हो रहा है क्योंकि जो हमारा ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है ये क्या कर रहा है ये लोगों को कम रोजगार दे रहा है क्यों कम रोजगार दे रहा चूंकि जो उसके पास उपलब्ध श्रम है उन्हीं का वो अधिकतम दोहन करते हुए अपनी उत्पादकता को बढ़ाना चाहता ठीक है तो यहां क्या कहा गया है एक अच्छा पॉइंट दिया गया है कि भारत में जॉबलेस ग्रोथ कहां है तो आप कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो सर्विस सेक्टर है तो इसमें जो श्रम है उसी श्रम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा रहा है क्यों क्योंकि अगर और श्रम लाया जाएगा और लोगों को रोजगार दिया जाएगा तो जो इन सेक्टर्स की इनकम है जो भी इसमें कंपनियां काम करी उनकी जो इनकम है उनका एक बड़ा हिस्सा लोगों को वेतन या सोशल सिक्योरिटी देने में खर्च होगा तो ऐसे में अगर कम लोगों को रखा जाएगा तो हमारी इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है जो लाभ लाभप्रदता है वो बढ़ जाएगी इसलिए यहां पर तो रोजगार का नुकसान क्यों हो रहा है इसको जरा याद कर लीजिएगा एक पॉइंट है ये अब दूसरा आता है कि रोजगार का नुकसान क्यों हो रहा है तो वही आ गया कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है कैसे इंपैक्ट है यहां पर लिखा हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब अनौपचारिक हो रही है याद रखिएगा जो व्यापार मॉडल है उसमें इनोवेशन आ रहा है जैसे अब हम यानी जो कंपनियां हैं वो आउटसोर्सिंग करा लेती हैं ठीक है इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है भारत सरकार भी कराती है और जो कंपनियां हैं कॉन्ट्रैक्ट यानी कुछ समय के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया आपका हमारा काम पूरा हुआ फिर आपको उस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त कर दिया गया तो कॉन्ट्रैक्ट एंप्लॉयमेंट बढ़ रहा है आउटसोर्सिंग बढ़ रही है गिग वर्क यानी प्लेटफॉर्म वर्क बढ़ रहा है इन इन तीनों के कारण से जो इन, जो फॉर्मल सेक्टर के रोजगार हैं वो भी इनफॉर्मल होते चले जा रहे हैं याद रखिएगा इसका मतलब है आई होप आप समझ गए इसका मतलब है कि इकोनॉमिक आप स्केल बड़ा अच्छा वर्ड है इसको इंग्लिश में ही पढ़िएगा इकोनॉमिक आप स्केल की जो अवधारणा थी अभी तक वह परिवर्तित होकर के इकोनॉमिक आप स्कोप में कन्वर्ट हो गई है अब इसको जरा समझिएगा ये दोनों वर्ड क्या है क्योंकि कल को जैसे 2016 में ये प्रश्न पूछा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो कल को ये भी पूछ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब इकोनॉमी आप स्केल से आगे निकलते हुए इकोनॉमीज आप स्कोप की तरफ मुड़ गई है दोनों टर्म को समझाते हुए समथिंग समथिंग डॉट 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 वो कोई भी प्रश्न आगे लगा सकता तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है और इकोनॉमी जो है स्कोप का मतलब क्या है कि इकोनॉमी आप स्केल का मतलब होता है कंप्लीट व्यवस्था यानी ठीक है पूरी व्यवस्था यानी कि अब हम क्या करेंगे कि हमारी व्यवस्था में हम रोजगार पर फोकस करें प्राइमरी सेक्टर हो सेकेंडरी सेक्टर हो टर्सरी हो तो जब हम कोई भी काम करेंगे तो हमारा फोकस यह रहेगा कि हम लोगों को रोजगार भी दे लेकिन अब क्या हो गया इकोनॉमी आप स्कोप यानी जिन क्षेत्रों में स्कोप होगी वहीं पर हम रोजगार यानी अर्थव्यवस्था की नीड के हिसाब से आपको रोजगार दिया जाएगा पहले क्या होता था यानी आपको अर्थव्यवस्था अर्थ व्यवस्था के आधार पर आपको रोजगार मिलता था लेकिन अब स्कोप के आधार पर मिलेगा ठीक है यानी अगर अर्थ व्यवस्था के ढांचे को आप हैंडल कर पा रहे हैं आपकी आवश्यकता है तब आपको रोजगार मिलेगा अन्यथा हम कॉन्ट्रैक्ट से काम कर लेंगे या किसी अन्य प्रकार से हम काम कर लेंगे ध्यान रखिएगा तो इकोनॉमी आप स्कोप का मतलब हो गया कि अब एक विशेष स्कोप को ध्यान में रखते हुए रोजगार मिल रहे हैं पहले क्या होता था संपूर्ण अर्थव्यवस्था में रोजगार मिलते थे इसी को बोला जा रहा इकोनॉमी आप स्केल से इकोनॉमी आप स्कोप की तरफ अब अर्थव्यवस्थाएं बदल रही हैं ध्यान रखिएगा तो यह भी ग्लोबलाइजेशन का ही इंपैक्ट है क्योंकि जो अधिकतम लाभ कमाएगा स्वाभाविक है वही बेहतर इन्वेस्टमेंट पाएगा या बेहतर उसके पास निवेश आएगा तो ये आप देख सकते हैं एक पॉइंट यहां पर हो गया अब इसके बाद आता है कि यहां पर एक और पॉइंट उठाया गया है कि भारत की जो रोजगार नीतियां हैं उसमें इल्यूजन है उसमें भ्रम है ध्यान ठीक है ना औपचारिक क्षेत्र पर्याप्त अच्छी नौकरियां पैदा नहीं कर सकता ये साफ कह रहे हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि औपचारिक क्षेत्र रोजगार पैदा करे तो आपको भी अच्छे से पता मुझे भी अच्छे से पता है कि औपचारिक क्षेत्र यानी फॉर्मल सेक्टर पर्याप्त नौकरियां कभी भी सृजित कर ही नहीं सकता तो इसका मतलब है भारतीय अर्थव्यवस्था के इनफॉर्मल सेक्टर को बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है हिंदुस्तान में जो भी नीति निर्माता आए हैं वो फॉर्मल सेक्टर पर फोकस करते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है जो हमारी इकोनॉमी का लगभग सत्तासी से नब्बे परसेंट है इनफॉर्मल इकोनॉमी लेकिन उसके लिए हमारे पास बेहतर नीतियां नहीं है हमने बहुत कुछ किया तो उनका यानी जो है डिजिटलाइजेशन में उनको बैंक तक कुछ लाभ वगैरह पहुंचा दिए लेकिन बेहतर नीतियां उनके लिए नहीं बनाई तो भारत का औपचारिक क्षेत्र पर्याप्त नौकरियां एडिटोरियल राइटर कह रहे पैदा नहीं कर सकता और यह बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि हम रोजगार पैदा ही नहीं कर सकते आप कहेंगे क्यों नहीं पैदा कर सकते आप जरा सोचिए कि सरकार कितना रोजगार दे लेगी प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी आने के बाद जो ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर है वह रोजगार में कमी करेगा कि नहीं करेगा तो इन फॉर्मल सेक्टर पर हमें फोकस करने की जरूरत है याद रखेगा ठीक है ना अब इसके बाद वो एक मुद्दा यहां और उठा देते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने कुछ अर्थ सा... एक पॉइंट हो 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 सकता है है आपको क्लियर हो गया हो। अब आता कि कि ये कहते हैं कि कुछ अर्थशास्त्री ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं इनका एडिटोरियल सिंक्रोनाइज नहीं है यानी एकदम से एक साथ एक दूसरे से कनेक्टेड पॉइंट नहीं है बिखरे हुए पॉइंट उन्होंने उठाए इसलिए मैंने आपको हेडिंग में ही दिखा दिया लेकिन यहां से हमारे कई प्रश्न सॉल्व हो रहे अब अगला प्रश्न सॉल्व हो रहा है अक्सर आपने देखो हमें क्या होता है ना विचार जानने चाहिए जैसा यूपीएससी प्रश्न पूछेगा पूछता तो उल्टा ही यूपीएससी भी अब देखिए जरा अरे भाई पूछता कि नहीं गांधी ना होते तो क्या होता लो भैया तो बस ऐसे ही अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ा दी जाए अर्थव्यवस्था में जी तो डी बढ़ जाएगी ऐसा पढ़ते हैं ना अक्सर पढ़ते हैं बहुत से अर्थशास्त्री ऐसा कहते भी आई की क्रिस्टीना लिगार्ड ने जब ये कहा था तो उसके बाद ये काफी चर्चा में आया इन्होंने भी वही पकड़ा जरा देखिएगा कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं महिलाओं को रोजगार वगैरह में भाग इससे कुछ ना होने वाला है। बताता हूं देखिए क्या करें भारत की रोजगार नीतियों में भ्रम स्पष्ट है अर्थशास्त्रियों को इस बात की चिंता है कि कार्य बल में महिलाओं की संख्या बहुत कम है यानी हमारी जीडीपी में जो भागीदारी है महिलाओं की या हमारे वर्क फोर्स में जो महिलाओं की भागीदारी वो कम है तो ये अच्छी बात है ये तो ये फैक्ट है लेखक कहते हैं क्या केवल यही एकमात्र चिंता है क्या एकमात्र प्रमुख चिंता कहते हैं नहीं यह बिल्कुल भी एकमात्र चिंता नहीं है ये कई चिंताओं में से एक है अर्थ कार्यबल में बहुत कम महिला इस विषय पर भी एक डिस्कशन आप करने जा रहे हैं जरा इस विचार को समझने की कोशिश कीजिएगा क्या है कार्यबल में बहुत कम महिला जरा समझिएगा अर्थशास्त्री कहते हैं क्या कहते हैं कि बहुत कम भारतीय महिलाएं पैसा कमाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलती हैं कार्यबल में अधिक महिलाओं के साथ अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी ये कई अर्थशास्त्री कहते हैं लेकिन लेखक क्या कह रहे हैं कि यह अर्थव्यवस्था का विकृत दृष्टिकोण है जो वास्तविकता की उपेक्षा करता है जो वो कह रहे हैं ये जो अर्थशास्त्री ऐसा कर रहे हैं है कि भारतीय महिलाएं अगर कार्य बल में आती हैं तो इससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी वो कह रहे हैं कि ये अच्छा मत नहीं ये कुछ पहलुओं को ध्यान ही नहीं करता तो हम लोग एक डिबेट कर रहे हैं कि महिलाओं की इकोनॉमी में जो भूमिका है वो क्या होनी चाहिए तो एक मत है वो कह रहा है कि अगर हम वर्क फोर्स में ज्यादा महिलाओं को शामिल करेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी लेकिन दूसरी तरफ जो इस एडिटोरियल को लिख रहे हैं कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं अब हम समझते हैं राइटर क्या कह रहे हैं और उनका तर्क क्या क्योंकि पहला वाला तो आपको पता ही पता है ये तो हम अक्सर पढ़ते ही रहते हैं अब इनका तर्क क्या है याद रखेगा तो ये कहते हैं कि अगर हम सदियों से देखें इन्हीं की बात मैं समझा रहा हूं ठीक है अपनी बात करूंगा तो लय टूट जाएगी पहले इनका समझा देता हूं फिर अपनी बात कहता हूं सदियों से महिलाओं ने बड़ी संख्या में खेतों पर काम किया बिल्कुल किया है आप इनकार नहीं कर सकते दूसरों के घरों में देखभाल करने का काम आया दाई घरेलू कामगारों के रूप में काम किया नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के रूप में काम किया बुनकरों और छोटे उद्यमों में हस्तशिल्प के उत्पादकों के रूप में काम किया बिल्कुल किया आज भी कर रहे हैं वह शिक्षकों के रूप में काम कर रही हैं ठीक है ना इसके अलावा वो आंगनबाड़ी में काम कर रही आशा में काम कर रही तो वो कह रहे हैं कि महिलाएं काम कर रही हैं महिलाएं काम कर रही हैं आप ये नहीं कह सकते कि महिलाओं की भूमिका कार्यबल में बिल्कुल नहीं है महिलाएं काम कर रही तो महिलाएं जो आवश्यक सेवाएं समाज को प्रदान करती हैं विशेषकर वाली मातृत्व और परिवार की देखभाल उन्हें अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादक कार्य नहीं माना जाता अच्छी बात है मतलब अच्छी बात यह नहीं कि नहीं माना जाता मैं इनकी बात समझाने के लिए कह रहा हूं उनके काम को महत्व नहीं दिया जाता और उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता अधिक महिलाओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था में धकेलने से औपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला भागीदारी दर में सुधार होगा और सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि हो सकती ये कह रहे हैं कि हो सकता है इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक समस्या है वो ये बताना चाह रहे हैं अब देखिएगा मैं एक बार पहले आप लोगों को बता दूं पूरा तब अच्छा पहले ये पॉइंट बता दूं तब मैं समझाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि कुछ कुछ आपसे मिस हो रहा होगा अभी मैं समझा देता हूं घबड़ाना नहीं पहले इनकी बात बता लेकिन वास्तविक समस्या है वास्तविक समस्या क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र यानी फॉर्मल सेक्टर जितनी बड़ी भारत की आबादी वन बिलियन इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अच्छी नौकरियां पैदा नहीं कर सकते याद रखेगा अब हम यहां पर आ रहे हैं पूरा आपको समझाते हैं ठीक है अब हम एक पार्ट पर यहां बातचीत कर रहे हैं और यह बहुत अच्छी चर्चा है चर्चा यह है कि कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि अगर महिलाओं को औपचारिक क्षेत्र में रोजगार में भागीदारी ज्यादा मिले तो है इससे हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा बिल्कुल सी बात है। तो यह कहते हैं एडिटोरियल राइटर की महिलाएं पहले से काम कर रही हैं और अच्छी बात है मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि अगर औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार दिया जाता है तो जीडीपी बढ़ जाएगी वो कह रहे मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं लेकिन ये एक समस्या का जिक्र करते हैं जो यहां मेरी स्क्रीन पर पीछे लिखा है। किस पर ये ये कहते हैं लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या कि क्या भारत का औपचारिक क्षेत्र इतना सक्षम है कि भारत की सभी आबादी को महिला आबादी पुरुष आबादी को रोजगार दे पाएगा आप मुझे बताइए चलिए आंसर दीजिए क्या भारत का फॉर्मल सेक्टर फॉर्मल इकोनॉमी जो पंजीकृत अर्थव्यवस्थाएं होती हैं होती है, क्या वो सभी महिलाओं को इनफैक्ट सभी जो कार्यशील आबादी है जो काम मांग रहे हैं क्या उनको रोजगार दे पाने में सक्षम है तो यही एडिटोरियल राइटर कहते हैं कि ये तो सक्षम ही नहीं कि औपचारिक क्षेत्र सभी लोगों को रोजगार दे पाएगा तो जो अर्थशास्त्री बार बार इस बात का डंका बजाते हैं वो कि औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत तो है बढ़ाएगा कैसे रोजगार है ही नहीं समय के साथ रोजगार में कटौती हो रही है फॉर्मल सेक्टर में फॉर्मल सेक्टर का भी आपने पढ़ा इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा हो रहा है कि नहीं हो रहा यानी हमारा जो औपचारिक अर्थव्यवस्था है वो गिग प्लेटफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म के कारण अब क्या हो रहा है यानी उसका इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है अब हम कॉन्ट्रैक्ट पे काम कराते हैं सरकार भी करा रही है और प्राइवेट सेक्टर के जितने भी फर्म्स हैं वो भी करा रही है तो ये इन्होंने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है कि जो अर्थशास्त्री बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की कार्य बल में भागीदारी बढ़ाई जाए तो ये बढ़ जाएगा वो बढ़े अरे इनको बढ़ाओगे कैसे वो वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है बढ़ सकता है जीडीपी बढ़ जाएगा पर कैपिटल इनकम बढ़ जाएगी लेकिन बढ़ाओगे कहां रोजगार कहां है इस एक विषय पर हम लोगों के सामने यानी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एक बिंदु हमारे सामने ये उभारते हैं जो लिखा नहीं है लेकिन उभर करके आता है कि हिंदुस्तान में अब पूरा फोकस यानी जो हमारे अर्थशास्त्री हैं उनका पूरा फोकस जो हमारे पॉलिसी मेकर उनका पूरा फोकस इनफॉर्मल इकोनॉमी पर होना चाहिए कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को कैसे और स्ट्रॉन्ग किया जाए उसके लिए अलग नीति आनी चाहिए केवल इनफॉर्मल इकोनॉमी में मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा यानी बीमा और पेंशन ही नहीं वो आनी चाहिए इनफॉर्मल सेक्टर छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं उन तक किस प्रकार से बैंक सरकार ये सब पहुंचे जिससे कि वो अपने आप को बड़ा कर सके और आज एक छोटी सी रेडी पार्टी लगा रहे हैं आज केवल खुद काम कर रहे हैं एक उनके साथ काम करने वाला हेल्पर है वो बड़ा हो तो पांच हेल्पर वहां पर काम करने लग जाए इस प्रकार की जो बात है उसका संकेत यहां पर मिल रहा है समझ में आया कि नहीं बता मुझे तो इसका मतलब है कि हम कैसे पढ़ कर पाएंगे तो राइटर यही कहते हैं कि जो हमारे यूथ हैं जैसे आप सब आपको भी नौ नौकरी चाहिए ठीक है ना तो ये है इसीलिए मैंने कहा जो 2016 में प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संदर्भ में जरा पॉइंट को समझिएगा भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियों जिनमें लापरवाह और बेकार जनशक्ति शामिल है पर टिप्पणी कीजिए तो समावेशी विकास में निहित चुनौतियों में लापरवाह और बेकार जनशक्ति तो जो शामिल है तो आप लिख सकते हैं ये लापरवाह और बेकार इसलिए भी है क्योंकि डिग्री लेने के बाद भी रोजगार उपलब्ध नहीं है तो एक पॉइंट आप ये भी डाल सकते हैं केवल युवा ही लापरवाह और बेकार नहीं है हमारे पॉलिसी मेकर्स की नीतियों के कारण भी जो हमारा युवा है वो लापरवाह है और बेकार है और इसी के कारण से समावेशी विकास में चुनौती भी है तो अब इस प्रश्न में सोचिए एक पॉइंट हमने आज एडिशनल लगा लिया कि नहीं लगा लिया इस हिसाब से आपको देखने की जरूरत है। अब इसके बाद एक और पॉइंट पर वो जिक्र करते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का नकारात्मक पक्ष यानी वो कह रहे हैं कि हम लोग हमारे जितने भी अर्थशास्त्री हैं जैसे टाटा का ही जिक्र किया कि वो कह रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक एक, एक, फोरम दाओस में कि मैं तो ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, ग्रोथ इसी पर फोकस रहूंगा तो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जीडीपी पर भी फोकस रहना अच्छी बात नहीं है याद रखेगा और वो उसको बीमारी कहते हैं तो एक विचार है एक विचार है केवल आपको सीखना है अब वो क्या कह रहे हैं याद रखिएगा तो ये बड़ा अच्छा कह रहे हैं बहुत अच्छी मतलब गजब एक दो शब्द आपको सिखाने जा रहा हूं मजा आएगा ये बहुत बढ़िया डिटोरियल अगर आप लोग इसको गहरे से समझेंगे तब तो आनंद आएगा नहीं तो फिर ऐसे बोरिंग लगेगा अरे यार पता नहीं क्यों क्योंकि हम वही चीज पढ़ना चाहते हैं जो मतलब नहीं होता कि जो मतलब हम सुने हो जो फैक्चुअल टाइप का हो ये फिलोसफिकल है ये चर्चा ही अपने आप में फिलोसफिकल है जो दो शब्द आने वाले हैं जरा देखिए कितना मजेदार है इन्होंने कहा ग्रोथ ऑफ जीडीपी इज लाइक डिजीज जो हम हमेशा जीडीपी पर बात करते हैं कि जीडीपी बढ़ाएंगे ग्रोथ 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 इन्होंने टाटा सन्स के चेयरमैन पर उंगली उठा दी है ये बीमारी है और कहते हैं कि जब हम जी पर फोकस करते हैं ना दो चीजों का बड़ा गंभीर नुकसान करते हैं हम जो नेचुरल और सोशल होस्ट हैं हमारी इकोनॉमी के उनको हम मार देते हैं क्या मस्त शब्द है यह अर्थव्यवस्था के यानी ये जो हम जीडीपी जीडीपी फोकस करते हैं यह अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक और सामाजिक मेजबानों को मार देता है अब आपके मन में आएगा सर ये सामाजिक और प्राकृतिक मेजबान कौन है अरे भाई प्राकृतिक मेजबान है हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट हम क्या कर रहे हैं पेड़ों को काट रहे हैं विकास के लिए वहां से मेट्रो निकाल रहे हैं और भी बहुत सी राजमार्ग सड़कें हम निकाल रहे हैं तो हम नेचुरल रिसोर्सेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं यही वो कह रहे हैं हम जल का बहुत ज्यादा दोहन कर रहे हैं तो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को हम नुकसान मतलब बढ़ा रहे हैं जैसे हम कहते तो हैं कि हम क्लीन एनर्जी पर काम करें लेकिन हम कोयले का उपयोग भी लगातार बढ़ा रहे हैं चाहे हिंदुस्तान हो चाहे यूरोपीय देश हो तो वही कह रहे हैं कि जब हम केवल जीडीपी पर फोकस करते हैं तो इकोनॉमी के नेचुरल होस्ट जो प्राकृतिक मेजबान है उनको हम मारते हैं इसके साथ साथ जो सोशल होस्ट है यानी वो जो गरीब और बेघर लोग हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं और यह पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिएगा अब मैंने क्यों कहा इस पॉइंट को दिमाग में रख लीजिएगा सोशल होस्ट मतलब जो गरीब वंचित तबका है हम उसका हित ध्यान नहीं कर पाते अब मैं यहां पे आता हूं एक प्रश्न आया था 2016 में आया था एक बार 15 या 16 आप चेक कर लीजिएगा एसे में क्या पूछा था कि जीडीपी जीडीपी के साथ सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के साथ सकल घरेलू खुशहाली जी किसी भी देश की संपन्नता के सही सूचकांक होंगे तो उस निबंध में यानी जीडीपी के साथ जीडीएच के द्वारा ही किसी देश की उपलब्धि का मूल्यांकन हम कर सकते हैं तो आप लिखेंगे हां यह बात बिल्कुल सत्य है क्योंकि जीडीपी और जीडीएच में जो हमारी इकोनॉमी के नेचुरल और सोशल होस्ट हैं उनका संरक्षण किया जाता है तो आप ऐसे यानी उन निबंधों में इस प्रकार के शब्द को यूज कर सकते हैं याद रखिएगा ठीक है ना तो जैसे यहां बताया भी गया है नेचुरल होस्ट का मतलब यानी हम जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन करते हैं। जैसे हम ज्यादा बांध बनवाते हैं ज्यादा सड़कें बनाते हैं हिमालय में हम डेवलपमेंट करते हैं जिसका रिजल्ट आप जोशी मठ वाला एग्जाम्पल देख ही चुके हैं इसीलिए करें ग्रोथ 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 मानसिकता यह कहीं ना कहीं कही, मानव को एक साधन मान लेती है क्या पॉइंट कहा यानी ग्रोथ 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 मानव एक साधन है प्रकृति एक साधन है तो जब हम मानव और प्रकृति को केवल साधन मानेंगे तो आप बताएं क्या हम समावेशी विकास प्राप्त कर पाएंगे तो इसीलिए यह पॉइंट बहुत अच्छा है केवल जीडीपी पर फोकस नहीं होना है हमें किस पर फोकस होना है हमें मानव पर हमें प्रकृति पर फोकस होना है। मजा आया कि नहीं मजा आया एक छोटा सा हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट ये वाला बैठ गया और मुझे तो लगता है यहां इमेनुअल यहां पर इमेनुअल कांट भी सार्थक प्रतीत होते हैं जब इमेनुअल कांट अपने नैतिक दर्शन एथिकल फिलॉसफी कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत को समझाते हुए पांच सूत्र लेके आते हैं उसमें से एक सूत्र होता है कौन सा कि मानव को केवल मानव को केवल साधन नहीं समझना चाहिए मानव साधन नहीं है उसे हमेशा साध्य समझना चाहिए तो जब हम मानव को साधन यहां वही कहा गया है कि हमें मानव को देखिए ठीक है हमें क्या करना है ग्रोथ 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 मानसिकता मानव समाज को लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में मानती यानी कि मानव साधन है तो कांड कहते नहीं मानव को हमेशा साधन नहीं मानना चाहिए ठीक है क्योंकि जब साधन मानेंगे तो आप उसका केवल दोहन करेंगे तो ये पॉइंट आई होप आप समझ सकते हैं ठीक है तो वो यही कहते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मानव सभ्यता का उद्देश्य नहीं है केवल यही एकमात्र उद्देश्य नहीं है याद रखेगा तो ये सारी बातें यहां पर बताई गई हैं याद रखिएगा तो आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि को सभी के लिए सम्मान के साथ सीखने कमाने के समान अवसर पैदा करना चाहिए और प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जो सभी के जीवन को बनाए रखता है और फिर यहां पर प्रश्न आ गया बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि नहीं तो उन्होंने कहा जीडीपी और सोशल जस्टिस को एक साथ लेकर के चलिए टॉपिक खत्म होता है कैसा लगा मजा आया कि नहीं और अनेकेडमी, आज ऑफर यानी जनवरी लास्ट डेट और आप एडमिशन लें अच्छी खासी छूट का फायदा उठाए ट्वेंटी परसेंट ऑफ रिपब्लिक डे ऑफर अभी चल रहा है अब आते हैं तीसरा टॉपिक आता है इंडिया ग्राउंड वाटर गवर्नेंस इज इन बेटर बेटरशिप भारत का भूजल शासन बेहतर स्थिति में यानी जो हमारे यहाँ भूजल का शासन है यानी जो सरकार की नीतियां हैं भूजल को प्रबंधित करने के लिए वो अच्छी हैं। तो हम ग्राउंड वाटर की स्थिति हिंदुस्तान में क्या है उसको लेकर के क्या चुनौतियां हैं और सरकार उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की नीति हमारे सामने रख रही है इस विषय पर हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है जीएस थ्री इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना तो जल संसाधन पर हम बातचीत करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट यानी कंजर्वेशन पर बातचीत करने जा रहे हैं संरक्षण जीएस वन ज्योग्रफी हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण तो जल एक प्राकृतिक संसाधन है तो हम जोग्राफी भी पढ़ने जा रहे हैं और आपके सामने जो मॉडल क्वेश्चन बना वो ये है उसके बाद फिर प्रीवियस क्वेश्चन yes का भी जिक्र करेंगे एनालाइज द सराउंडिंग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन इंडिया भारत में भूजल निकासी के आसपास कौन कौन से मुद्दे हैं उनका विश्लेषण कीजिए इसके बाद क्या थ्रो लाइट ऑन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट दैट हैज इनेबल्ड पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्राउंड वाटर सिनारियो इन इंडिया सरकार द्वारा उठाए गए उन कदमों पर प्रकाश डाले जिनसे भारत में समग्र भूजल परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है तो कौन कौन से मुद्दे हम ये पढ़ने जा रहे हैं और जो भी चुनौतियों वाले मुद्दे हैं उनके लिए सरकार की क्या नीति है यह विषय हम पढ़ने जा रहे हैं जो कभी भी ज्योग्राफी में आपसे पूछा जा सकता है इकोनॉमी में आपसे पूछा जा सकता है तो ये हम विषय पढ़ने जा रहे हैं बहुत बढ़िया से इसके साथ साथ यानी उन्नीस में निबंध पूछा क्या पूछा भारतीय संदर्भ में संसाधन प्रबंधन आप देख सकते हैं तो हम जल संसाधन का प्रबंधन पढ़ने जा रहे हैं और ये सभी प्रश्न कभी भी रिपीट हो सकते हैं जैसे शिशु को खिलाने वाला हाथ रिपीट हो गया ना 2004 में आया था उसके बाद अभी पूछ लिया 21 या 22 में तो आपको ऐसे ही अलर्ट रहना है कभी भी पूछ सकता आपसे रिपीट हो सकता है ठीक है और इसके बाद 2006 में ऐसे आया था सतत आर्थिक विकास के लिए धारणीय आर्थिक विकास के लिए पारिस्थितिकी और पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है तो है जो हमारा जल है वो पार, हमारे पारिस्थितिकी का एक हिस्सा है अगर आप चाहते हैं कि जल का सतत उपयोग करते हुए जीडीपी को बढ़ाएं तो आपको इसी सिद्धांत पर काम करना पड़ेगा दो में आया था तो यही सारी बातें हैं जिसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है अब आते हैं इंडिया भारत में विश्व की लगभग 18 परसेंट जनसंख्या निवास करती है नंबर वन और विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का 2.4 परसेंट हिंदुस्तान के पास है और विश्व का टोटल जो वाटर रिसोर्स है जल संसाधन उसका 4 परसेंट यानी 4 परसेंट का उपभोग भारत करता है ये पीटी के लिए याद रखेगा आपको ठीक है तो ये हो गया आपका इंडिया के बारे में बातें बताएगी अब आता है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जिसका हम जिक्र करेंगे उसने कहा कि भारत संपूर्ण विश्व में ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा उपयोग करता है जरा इसको याद रखेगा भारत भूजल का सबसे बड़ा यूजर है इसको आप ध्यान रखिएगा ठीक है ना इसका मतलब है कि जो हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही नंबर वन नंबर वन नंबर वन दूसरा जो हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है ये दोनों यानी हमारी इकोनॉमी भी और हमारी जनसंख्या भी देश के भूजल संसाधन जो ग्राउंड वाटर है उस पर दबाव डाल रहे हैं तो इसका मतलब हमारे जो भूजल संसाधन है वो दबाव में है ऐसे में रिसोर्स मैनेजमेंट समझ में आ गया एस थ्री इकोनॉमिक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना मोबिलाईजेशन ऑफ रिसोर्सेज और उसके अलावा जो एसे था वहां से भी, तो आप इसी के साथ हम हम पढ़ने जा रहे हैं हैं ठीक है अब हम आगे बढ़ते भूजल क्यों महत्वपूर्ण भूजल क्यों एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं यानी भूजल क्यों महत्वपूर्ण है पहला पॉइंट आता है है एग्रीकल्चर के लिए भारत में इसके साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी पीने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है या देश के पीने के पानी के लगभग अस्सी परसेंट और सिंचाई का तीन में से दो हिस्सा पूरा करते है। ये हैं यह है भूजल की इंपॉर्टेंस तो जब यह भूजल की इंपॉर्टेंस पता रहेगी तब भी जल शक्ति योजना पर मान लीजिए २०२४ में इलेक्शन है आपसे प्रश्न पूछ सकता है जल शक्ति योजना के ऊपर पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है जल शक्ति अभियान चलाया गया है तो प्रश्न तो पूछा जा सकता है तो प्रश्न को टेगल करने के लिए हमें ये तो पता है जल सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इंडिया की वाटर सिक्योरिटी जैसे हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं आंतरिक सुरक्षा वैसे हमारी एक वाटर सिक्योरिटी भी है जिसके लिए ग्राउंड वाटर सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों और यह जो ग्राउंड वाटर होता है ये कहां पाया जाता है तो ये एक पानी है, जो कहां पाया जाता है यानी मिट्टी रेत और चट्टान में दरारों और अन्य अवस्थानों में यह भूमिगत रूप में पाया जाता है आप देख सकते हैं यानी इस लेयर में ये ये, ये आप देख सकते हैं यहां पर ग्राउंड वाटर पाया जाता है याद रखेगा यह या मिट्टी रेत और चट्टान ये ये देख सकते हैं मिट्टी रेत और चट्टान सब बनी हुई चट्टानों के भूगर्भिक संरचनाओं में संग्रहित होता है जिन्हें हम कहते हैं तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि आगे शब्द ही बार बार जिक्र में आएगा तो इसको आप एक बार ध्यान रखिएगा ग्राउंड वाटर कहां पाए जाते हैं एक एक चीज आपको बनाई गई है और इस पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है अब इसके बाद यहां पर इसको इंटरलिंक किया गया है इस बार जो यूएन का वर्ल्ड वाटर डे है 2022 इसकी थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल टू विजिबल अब आप देख सकते हैं तो यह जो ग्राउंड वाटर के लिए थीम है तो इसकी इंपॉर्टेंस को बता देता है याद रखिए अब व्हाट इज द इश्यून इंडिया में तो इंडिया में जो सर्वे हुआ उससे यह पता चला है कि भारत के 22 परसेंट जो ब्लॉक है वहां पर जो भूजल है वो बहुत ज्यादा निकाल लिया गया है वहां संकट की स्थिति हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के 22 परसेंट ब्लॉक जो है वह वाटर का या हम कह सकते हैं वाटर स्ट्रेस का जल तनाव का सामना कर रहे हैं वाटर स्ट्रेस पर भी आपसे प्रश्न पूछा गया है ठीक है ब्लॉक मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक होते हैं तो पूरे देश में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो ब्लॉक है ट्वेंटी टोटल का भैया तो सौ में से बाईस में जल तनाव की स्थिति है तो यह समस्या है कि नहीं है और राज्य स्तर पर पंजाब हरियाणा राजस्थान और दिल्ली में भूजल की जो निकासी हो रही है सौ परसेंट से ज्यादा यह चिंता वाली बात है कि नहीं जैसे यह चिंता वाली बात है ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप वे सपने जो भारत को सोने ना दें आपके सामने देख सकते हैं निबंध आगे क्या यह निबंध सौ परसेंट यहां पर इंटरलिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है अब आप देख सकते <coughs> तो ये जो हम पढ़ रहे हैं एकदम बने रहिएगा और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जैसे प्रिलिम्स का टाइम आ रहा है तो घबराइएगा नहीं हिंदू को लेकर के हिंदू आपको करना ही करना अन्य आप सबको पता है कि मैं क्लासेस में आप लोगों को रोकता हूं कि मत आओ ये क्लास मत लो वो क्लास मत लो लेकिन हिंदू आपको हंड्रेड परसेंट फॉलो करना है इसको छोड़िएगा नहीं ठीक है अगर आप चाह रहे हैं कि प्रिलिम्स आपका निकले क्योंकि तो इसी बीच बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं वन लाइनर और इस इस प्रकार की जो रिसर्च सर्वे में पढ़ाता हूं ग्राउंड वाटर पर क्या क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसलिए आप सतर्क रहिएगा दूसरों को देख करके घबराना नहीं है नहीं तो आपको अच्छे से पता मैं ईमानदार आदमी मैं खुद ही मना कर देता हूं कि अभी मत आई और एक टाइम आएगा जब मैं मना करूंगा कि अभी मत आई लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया ध्यान रखिएगा तो ये हो गया आप देख सकते हैं इशू हमारे सामने है आप यहां पर डाल सकते ठीक है ना अब इसके बाद कहा गया कि दो तक देश में जो पानी की मांग है तो जितना हम अभी आपूर्ति आप कर रहे हैं उससे दोगुनी होने का अनुमान इसका मतलब है कि करोड़ों लोगों के लिए पानी की गंभीर कमी और देश के जीडीपी उत्पाद में लगभग छह परसेंट की हानि होने वाली है क्योंकि हमारे पास तो पानी उतना ही और डिमांड बढ़ने वाली तो ये है वह स्वप्न जो हमें सोने नहीं दे रहे तो ये सब डेटा आप याद कर लीजिएगा अब आता है भाई ये स्थिति है कितना बढ़िया कंटेंट है, है अब ये स्थिति है अब इस स्थिति पर यानी स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं देखिए यहां आ गया तो यह हमारी स्वीकारोक्ति का साहस यानी सरकार ने स्वीकार किया कि भाई हमारे यहां जल जो भूजल संकट है जितनी डिमांड आने वाले समय में होने वाली उसकी सप्लाई हम कर नहीं पाएंगे चाहे पीने का पानी हो चाहे उसका आर्थिक उपयोग हो दोनों स्तर पर तो सरकार ने स्वीकार किया स्वीकारोक्ति का साहस दिखाया और सुधार करने की निष्ठा के तहत केंद्र सरकार ने कई कदम उठा दिए देख सकते हैं ऐसे ही निबंधों को डील करना अब स्वीकारोक्ति का साहस सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं आप लिखिए निबंध में एक पैराग्राफ या भूमिका कि यदि हम भारत में भूजल तनाव की स्थिति को देखें तो डेटा बता दीजिए तीन चार पॉइंट जो पीछे बताया गया और फिर लिखिए कि सरकार ने इस स्थिति को समझा और उस स्थिति को स्वीकार किया और सुधार करने की निष्ठा के तहत कई कदम उठा दिए और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार की जो नीतियां हैं वह स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा के सिद्धांत पर काम कर रही हैं आप इस हिसाब से कर सकते हैं तो बस एंजॉय करिए भैया हम तो यही कहेंगे यूपीएससी एंजॉय है और इसी में एंजॉय करिए जरूरी नहीं तक सुनील सर सीरियस क्लास लेते हैं इसी को समझिए ये चुटकिला है ये कविता है ये आनंद है जब आप महसूस करेंगे तब महसूस होगा आप सोचिए सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद तो जीवन में आनंद ही आनंद है कपिल शर्मा हजारों हैं हमारे ऐसे व्यक्ति कपिल शर्मा क्यों बने जो काम जिसको समझ में आता वो काम वो करे मुझे आईक्यूआईपी समझ में आता मैं आई कर रहा हूं इसका मतलब है बस एकदम ऐसे ऐसे ना गंभीर होकर के एकदम दीवाना होकर के यूपीएससी की तैयारी करिए लाइफ चेंज हो जाएगी उसके बाद फिर दुनिया में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है ठीक है ना तो केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से यानी तीनों मिलकर के अस्थाई भूजल प्रबंधन निबंध जरा याद रखिए भारत के संदर्भ में संसाधन प्रबंधन देख लीजिए आप तो यानी सहकारी संघवाद बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड आएगा अभी आखिरी में आखिरी में आएगा सहकारी संघवाद का ये एग्जाम्पल है आपसे पूछेगा सहकारी संघवाद यथार्थ या, या मिथक आप कहेंगे यहां पर यथार्थ है आप लिखेंगे सहकारी संघवाद बहुत से पॉइंट उसमें एक पॉइंट देखिए लेके आएंगे सहकारी संघवाद का अर्थ है जहां पर केंद्र और राज्य एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाते हुए विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं इस सहकारी संघवाद के आदर्श का उदाहरण हमें भारत में भूजल संकट के संदर्भ में केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सहयोग में दिखाई देता है वही बात लिखी हुई अब क्या दिखाई देता है आगे फैक्ट बताने वाला तो आप यहां से भी यूज कर सकते हैं तो छोटी छोटी बातें छोटी छोटी बातें सीखते हुए चली जानी है तो अब यही हो गया कि मई दो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया यानी अब देखिए जल संकट का समाधान करने के लिए एक मंत्रालय ही बना दिया गया तो एक बहुत अच्छा इनिशिएट था याद रखेगा ठीक है एक चीज हो गया अब इसके बाद क्या किया इन्होंने मांग और आपूर्ति प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया और जल संसाधन के प्रबंधन को गति दी और उन्होंने क्या किया जल शक्ति अभियान लॉन्च किया ठीक है ना जल शक्ति अभियान लॉन्च किया अब जल शक्ति अभियान क्या है आपके सामने एक समयबद्ध मिशन मोड जल संरक्षण अभियान है इसे मार्च 2021 में प्रारंभ किया गया कैच द रेन वेर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स यानी जो भी वर्षा हो रही उसको इकट्ठा करो जहां भी हो और जब भी हो यानी इसका मतलब है कि आप मनरेगा के तहत ढेर सारे तालाब खुदवाइए पानी का संचय करिए लोगों को जागरूक करिए वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करे ये सारी चीजें याद रखेगा तो इसको आप याद रखेगा इसका उद्देश्य यानी सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना देश के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन की संरचनाओं का यानी वही तालाब पोखर बनवाना उसमें जल का संचय करना तो आप देख सकते हैं तो पहला हो गया आपके सामने यह है जल शक्ति मिनिस्ट्री का जल शक्ति अभियान तो जल शक्ति अभियान क्या है अभी तक आपने जब भी प्रिलिम्स के लिए जल शक्ति अभियान पढ़ा होगा तो क्या आपके मन में आया क्या कि यार ये भारतीय संदर्भ में संसाधन प्रबंधन में भी एग्जाम्पल के रूप में जाएगा क्या आया तो जल शक्ति अभियान जल शक्ति मंत्रालय क्या है संसाधन प्रबंधन के एग्जाम्पल्स हाँ उसका संदर्भ भूजल से है अब आप देख लीजिए तो ये है यूपीएससी इसको खेलना है बच्चे इसीलिए मैंने कहा आपके अंदर फिर कॉन्फिडेंस लाने के लिए बोल दूं कि अट्ठाईस मई एग्जाम दीजिए और चौबीस वाले भी अपना मई और उनतीस तीस को गाड़ी पकड़िए ठीक है।, है और उसके बाद देखिए कि जब ऐसे ही मुख्य परीक्षा की क्लास लूंगा बैठा के आठ आठ घंटे आठ आठ घंटे एक दो घंटे नहीं और फिर आप सोचिए कि कितना इनहेंस कराऊंगा हर एक टॉपिक में ये जोड़ लो वो जोड़ लो ये जोड़ लो और सारा कंटेंट अपने पास भरा पड़ा आप सबको पता ही हम लोगों को तो कहीं ढूंढना भी नहीं ना सारा कंटेंट आप हिंदू को उठा लीजिए दो साल का सारी पीडीएफ आपके पास भी मेरे पास भी आप भी ओपन करेंगे हम भी ओपन करेंगे ये उठाओ ये उठाओ पढ़ाऊंगा नहीं मैं पढ़ा तो मेरा ही ये उठाओ इसको यहां लगाओ ये उठाओ इसको यहां लगाओ इसको उठाओ यहां लगाओ इसको उठाओ यहां लगाओ, लगाओ। यानी जैसे सोसाइटी पकड़ लिया अब सोसाइटी तो में जो भी घटनाएं घटित हुई पिछले दो साल इसको लगाओ यहाँ लगाओ इसको यहाँ लगाओ इसको धर्म निरपेक्षता वाले में लगाओ इसको जो है उसमें लगाओ सांप्रदायिकता वाले में लगाओ इसको यहाँ लगाओ सामाजिक सशक्तिकरण वाले में इसको इसमें लगाओ एक दिन में सोसाइटी कंप्लीट करंट से यहाँ वहां लगा लिया अगले दिन सोसाइटी पर सारे कॉन्सेप्ट बता दिए आप सबको पता है कि मुझे निरपेक्षता समझाने में सांप्रदायिक कितना समय लगे मुश्किल से पांच से सात मिनट हर एक टॉपिक को समझाने दो दिन में सोसाइटी फिनिश आपका काम रखना और क्वेश्चन का आंसर लिखना और फिर आप ही लोगों में से बनाऊंगा एक टीम जो करेगी आंसर आंसर चेक, चेक फॉर्मेट मेरा आप लोग करेंगे, फिर मजा मजा है कि नहीं मजा मजा प्लान बहुत ताकतवर है बस ठीक है एंजॉय करिए आप ठीक है और इसका देखिए जब भी मैं कहता हूं मेंस के लिए आप, आप लोगों को तो इसकी सबसे बड़ी जो वजह है मेरा एथिक्स और एसे पर जबरदस्त कमांड होना है और मैं विषयों की बात करूं तो आप पढ़ ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं और एसे में और ऑप्शनल में आपको बहुत मोटा नंबर मतलब मैं आपके साथ काम कर सकता हूं उसमें सबसे बड़ा रीजन है ऑप्शनल तो मान लीजिए जो भी पढ़ा रहे हैं अपना अपना सब ठीक है मैं उसमें लेकिन एथिक्स और एसे पर जिस लेवल पर मैं घुसा पड़ा हूं ना वो एकदम से अलहदा है कि मतलब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं इथिक्स और यानी आप चाहें तो डेढ़ डेढ़ सौ नंबर तीन सौ नंबर आप इथिक्स और ऐसे में ला सकते हैं तो मेरी सबसे बड़ी ताकत इथिक्स और ठीक है।, है तो बस आप लोग कहते हैं ना जोश आ जाता है जब आप ये बोलते हैं तो जोश आ इसीलिए मैंने बोला कि आपके अंदर एक जोश आ जाए कि प्री पर्स पास करना उनतीस को के पास चलना फिर देखिए कैसे कहानी पलटता हूं मैं काम करना चाहता हूं बच्चे मजदूर टाइप का इंसान हूं और काम मिल नहीं रहा ये काम नहीं है खड़े होकर के पढ़ाई दिया कि आपको भी अच्छा लगा कि सराय की वाइफ अच्छा कराते हैं ये काम नहीं यार काम ना मुझे वो चाहिए मुझे सौ पचास बच्चे सौंप करके गेट बंद कर दिया जाए फिर उनको मैं ठोंक ठोंक करके निकालू और मैं निकाल ले जाऊंगा वो काम चाहिए लेकिन मिल ही नहीं रहा कुछ बच्चे मिले हुए हैं आप लोगों में से अच्छो अच्छा कर रहे हैं यूट्यूब वाले भी प्लस वाले भी अब इनमें से अगर मेरी किस्मत में कुछ बच्चे लिखे होंगे तो प्रेम्स निकाल लेंगे नहीं लिखे होंगे फिर संघर्ष चल ही रहा चलता रहेगा बट मैं दूसरी पर्सनालिटी हूँ ये यूट्यूब पे पढ़ाने वाले से भी ज़्यादा मेरा वो जो गुरुकुल परंपरा में एग्जाम निकलवाना है ना वो मेरे अंदर रचा बसा पड़ा लेकिन अब आज के ज़माने में सिंगल हैंडेड कुछ संभव नहीं क्योंकि अब ये पूंजीवाद का घनघोर युग आ गया है पूंजीवाद के साथ समावेशी विकास अभी फिलहाल संभव नहीं जिसके पास कैपिटल है उसी के पास ताकत हमारे <coughs> जैसे लोग अभी <coughs> बेकार है ठीक है तो प्लीज बेकार को साकार में बदलने के लिए प्रेलिम्स निकालिए बस और कुछ ना चाहिए मुझे केवल प्रेलिम्स आपका चाहिए ठीक है तो ये हो गया आप देख सकते हैं छोटी छोटी बातें ऐसे आपको क्या करना <coughs> सारी बातें आपको बता देंगे बाद देखिए जल जीवन मिशन भी आरंभ किया गया पंद्रह अगस्त दो ये क्या है यह भी तो एक संसाधन प्रबंधक योजना है तो पंद्रह अगस्त दो जल शक्ति मंत्रालय इसको संचालित करता है और ये क्या कहा जा रहा है भाई जितने भी ग्रामीण परिवार हैं और जितने भी सार्वजनिक संस्थान हैं जैसे ग्राम पंचायत का भवन प्राथमिक विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र उन सब तक 2024 तक नल वाला पानी पहुंचा दिया जाएगा अब इसके बाद और बताया गया है कि यानी भूजल के प्रभावी प्रबंधन और नियमन के लिए कौन कौन से कदम और उठाए गए हैं अटल भूजल योजना देख लीजिए कोई भी चीज छोड़ी गई है कंटेंट देखिए आपके लिए एकदम फुल प्रूफ अटल भूजल योजना आप देख सकते हैं 25 दिसंबर 2019 को यह शुरू की गई है किस लिए भूजल के प्रभावी प्रबंधन के लिए 2019 में शुरू और दो हजार से चौबीस पच्चीस तक उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल का सतत प्रबंधन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जिससे विश्व बैंक 50 परसेंट ऋण दे रहा है दूसरा आता है अन्य कदम कौन से एन ए क्यू यू आई एम क्या इसको पढ़ा था आपने बच्चों नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वायर मैनेजमेंट अभी क्या पीटी में नहीं पूछेगा क्या ये अटल भूजल योजना नहीं पूछेगा क्या आपसे जल जीवन मिशन नहीं पूछेगा क्या जल शक्ति अभियान नहीं पूछेगा तो आप ये पीटी की भी तो क्लास होती है बस मेरा अंदाज मेंस पर रहता है बाकी पीटी के लिए भी उतना ही मटेरियल इसलिए हड़बड़ाना नहीं है कि अभी अब पीटी का टाइम आ गया हिंदू नहीं पढ़ना नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्फायर मैनेजमेंट जल भृत एक्र यानी जहां पर पानी वो पाया जाता है कौन सा भूजल वाला पानी इसके मैनेजमेंट पर राष्ट्रीय परियोजना एन ए क्यू यू आई एम है याद रखेगा बारहवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था याद रखेगा जिसका उद्देश्य था कि जो भी एक्फायर हैं यानी या हैं हम कहें ज्यादा अच्छा शब्द होगा तो उनका बेहतर मैनेजमेंट करना और उसका बेहतर मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा मैपिंग करके उसका बेहतर मैनेजमेंट किया जाएगा यही इसके अंतर्गत लिखा हुआ है तो अंत में लेखक कहते हैं यह सभी योजनाएं इस बात का प्रमाण है कि सरकार भूजल प्रबंधन के लिए अच्छा काम कर रही है यही यहां पर लिखा हुआ है ध्यान रखेगा अब इसके बाद अगर सरकार अच्छा काम कर रही तो उसका रिजल्ट भी तो बताना होगा ना भाषण से तो काम नहीं चलेगा ये, ये ये तो अब यहां हम सीखने जा रहे हैं सरकार ने ये जो 2019 से इनिशिएट लिए हैं उसका कुछ इंपैक्ट हुआ यस उसका इंपैक्ट हुआ है लेटेस्ट ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार जो भी अति दोहित भूजल इकाइयां थी उनकी संख्या में 30% परसेंट की कमी आई यानी अब भूजल संकट कम हुआ है 2017 की तुलना में सुरक्षित श्रेणी की इकाइयों की संख्या में चार परसेंट की वृद्धि हुई यानी आपको यह सब भी याद रखने की जरूरत नहीं है केवल इतना याद रखने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ग्राउंड वाटर असेसमेंट सरकार की इन योजनाओं के बाद ग्राउंड वाटर का प्रबंधन बेहतर हुआ है उसकी स्थिति बेहतर हुई है याद रखिएगा तो यही सारी बातें हैं आप इसको लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं आई होप कि मजा आया होगा अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं आज का अंतिम एडिटोरियल द इंडस वाटर ट्रीटी एंड वाई इंडिया हैज हैजूड नोटिस टू पाकिस्तान सीकिंग चेंज सिंधु जल संधि और भारत ने पाकिस्तान को बदलाव के लिए नोटिस क्यों जारी किया यानी सिंधु जल संधि से संबंधित भारत ने एक नोटिस पाकिस्तान को दिया है यही न्यूज है कि सिंधु जल संधि के संदर्भ में हम लोगों को मिलकर के कुछ चर्चा करनी चाहिए एक नोटिस दिया है सिंधु जल संधि तो आइए पहले समझा देता हूं कि क्या नोटिस दिया फिर आता हूं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यूपीएससी पे सॉरी जो है मॉडल क्वेश्चन पर नई दिल्ली ने छह दशक से अधिक पुरानी जल संधि में संशोधन के लिए इस्लामाबाद को नोटिस जारी किया यानी वो चाहता है संशोधन हो बस इसको आप रट लीजिएगा तो अब संशोधन है तो चर्चा में आ ही गया है ध्यान रखिएगा और जो इंडस वाटर ट्रीटी है हमारे और पाकिस्तान के बीच में है छह नदियां हैं इन नदियों के जल के बंटवारे से संबंधित है तो न्यूज ये है कि नई दिल्ली ने छह दशक से अधिक पुरानी सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए इस्लामाबाद को नोटिस जारी किया ठीक है क्लियर है नोटिस जारी किया है याद रखिएगा ठीक है ना तो अब आप यहां पर देख सकते हैं नोटिस अब आता है कि भारत ने पाकिस्तान को यह पत्र क्यों लिखा यह भी बता दूं तब मजा आएगा तो भारत 1960 की संधि में बदलाव करने की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश कर रहा था ठीक है यानी भारत 1960 की जो संधि थी ठीक है ना तो भारत एक इनिशिएट कर रहा था कि इसमें कुछ परिवर्तन लाया जाए भारत एक तरफा नहीं कर रहा था कि 1960 की संधि में कुछ परिवर्तन ला जाए उस संधि में प्रोविजन थे उस संधि में प्रावधान है अभी मैं बताने वाला हूं। उस संधि में प्रावधान है उन प्रावधानों में लिखा हुआ है कि दोनों देश समय समय पर इस सिंधु जल संधि में परिवर्तन ला सकते, है। ले सकते हैं तो भारत ने वही इनिशिएट लिया भाई ला, लास्ट बासठ साल से उसमें कोई चेंज हुआ नहीं तो समय के साथ उसमें चेंज होना चाहिए यानी जो संधि का यानी जो ये ट्रीटी है उसका जो अनुच्छेद आर्टिकल ट्वेल्व थ्री है वो कहता भी है कि इस संधि के प्रावधानों को समय समय पर दोनों सरकारें क्या करें संशोधित कर सकती हैं दोनों सरकारें मिलें बातचीत करें और संशोधन करें ऐसा इंडस वाटर ट्रीटी का जो आर्टिकल थ्री है वो कहता है तो भारत ने इसी के आधार पर संशोधन का प्रस्ताव पारित किया और उसको पत्र लिखा कि भाई हम करने जा रहे हैं याद रखिएगा भारत ने कहा कि संधि को लागू करने में पाकिस्तान की निरंतर हट धर्मिता के कारण यह नोटिस भेजा गया कि हम जब भी संधि पर कोई काम करते हैं तो पाकिस्तान रिजिड हो जाता है और इस मामले को सीधा वर्ल्ड बैंक के सामने लेके चला जाता है ठीक है अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है मध्यस्थता न्यायालय हेग में लेकर के मुद्दा चला जाता है फिर यह जो भारत परिवर्तन लाना चाहता है वो रुक जाता है तो भारत ने कहा ये यानी सामान्य भाषा में कहें तो ये हट धर्मिता है ऐसा नहीं करना चाहिए याद रखेगा ठीक है पाकिस्तान भारत की ओर जो जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जा रही उस पर आपत्ति उठा रहा है यानी जो हम अपनी तरफ जल विद्युत यानी अपने देश की सीमा में जम्मू कश्मीर में जो हम जल विद्युत परियोजनाएं बना रहे हैं उस पर वो क्वेश्चन उठा रहा है तो भारत कह रहा है ये हट धर्मिता है ठीक है जरा पॉइंट को समझ रहे हैं। समझ रहेगा कि जो हम जल विद्युत परियोजनाएं बना रहे हैं उस पर वो क्वेश्चन उठा रहा है तो भारत यही नोटिस भेजा कि क्यों उठा रहे हो भाई तुम इसका जवाब दो और उठा रहे हो तो भारत की आपत्ति है कि तुम तार्किक तरीके से उठाओ भाई का मतलब होता है कि एक तीन स्तरीय त्रिस्तरीय व्यवस्था है कि सबसे पहले भाई आपस में बात करो अगर बात ना बने तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग एक तटस्थ बॉडी बने वो इस पर डिसीजन ले और फिर अंत में आप जो है किसी भी मध्यस्थता न्यायालय में लेकिन पाकिस्तान रोता हुआ पहले ही चरण में मध्यस्थता न्यायालय के पास पहुंच जाता है भारत को इसी बात पर आपत्ति ठीक है आई होप आप समझ गए लीजिएगा पूरा पूरा। तो पहले रुक जाइए आपको दिखा देता हूं न्यूज तो आपको पता लगी नहीं तो आप कहेंगे सर ऐसे ही पढ़ा दे रहे आइए दिखाते हैं सबसे पहले जीएस वन जोग्राफी में यूनिट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल द वर्ल्ड विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण आइए देखिए 2016 हजार ज्योग्राफी में आपसे क्वेश्चन टप्प से उठा करके पूछ लिया है और यह यही नहीं यह कहीं भी पूछा देख लीजिए तो उस टाइम चर्चा में था आप जरा गूगल करिएगा सिंधु जल पर विवाद था इसलिए पूछा गया ज्योग्राफी में अभी फिर से भारत ने एक पत्र लिखा है और काफी नाराजगी जताई है अभी मुद्दों को और समझाऊंगा तो मुद्दे और क्लियर होंगे अभी केवल बस ये दिखा रहा हूं कि प्रश्न देखो जिससे आपका आपका जो कनेक्शन है इस एडिटोरियल के साथ वो और बढ़े नहीं यार तो हम आप पढ़े हैं लेकिन अप्रोच ठीक है वो इंपॉर्टेंट है तो सिंधु जल संधि का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए तो मैं अभी बताने जा रहा हूं विवरण भाई कब हुई है कैसे हुई किन नदियों पर भारत का यानी जो पूर्वी नदियां उस पर भारत का पश्चिमी नदियां पाकिस्तान का लेकिन जो पश्चिमी नदियां पाकिस्तान की उस पर भारत को जल विद्युत की परियोजनाएं चला बनाने की शक्ति है सिंधु जल संधि में ऐसा लिखा है भारत वही कर रहा तो पाकिस्तान को लगी मिर्ची और पहुंच गया अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय भारत ने कहा गलत कदम है हम इसका समर्थन नहीं करेंगे हम बहिष्कार कर देंगे तो अभी वही पढ़ाने जा रहा हूँ सिंधु जल संधि का एक विवरण एक टू जेड एक एक पॉइंट और प्रूफ कर दूंगा एडिटोरियल में वो था वो सब नहीं था लेकिन एडिटोरियल को अच्छे से समझाने के लिए मुझे बाहर से वहां बीबीसी से कंटेंट निकालना पड़ा तभी मैं समझा पाता आपको यानी एडिटोरियल में ये लिखा हुआ है कि भारत ने जब जल विद्युत परियोजनाएं अपने यहां शुरू की 1960 की संधि के मुताबिक जिन नदियों पर पाकिस्तान का कंट्रोल है उस पर भारत जल विद्युत परियोजना बना सकता है तो भारत ने उसी आधार पर बनाया और उनको आपत्ति है तो ये एडिटोरियल में लिखा नहीं था कि 1960 की संधि में ये प्रावधान है कि भारत ऐसा कर सकता है तो जब मैं कंटेंट पे काम कर रहा था शाम को तो मुझे फिर दिमाग में आया कि यार ये तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि मतलब भारत क्यों बना रहा है भाई जब तीन नदियां उनकी हैं तीन हमारी हैं तो हम अपने पे बनाए तो फिर मैंने वो बीबीसी से कंटेंट निकाला पांच पॉइंट उसमें आपको मिलेगा कि भारत इसलिए करा चूंकि भारत को सिंधु जल संधि के द्वारा ये राइट मिला हुआ कि जो पाकिस्तान की तीन नदियां उस पर भारत जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण अपने क्षेत्र में कर सकता तो ये इंपॉर्टेंट तो सिंध जल संधि का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए हम ये पढ़ने जा रहे हैं तथा बदलते हुए द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में उसके पारिस्थितिक आर्थिक एवं राजनीतिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए यानी सिंध जल संधि के क्या क्या इकोलॉजिकल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल इंप्लीकेशन है अब बताओ कौन ये जोग्राफी का क्वेश्चन है कोई आज के समय में जोग्राफी नहीं कोई इकोनॉमी नहीं बस केवल और केवल एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अच्छी चर्चा वर्तमान के मुद्दों पर यही यूपीएससी बच्चा तो ये हो गया आप यहां से देख सकते हैं इसको हम लोग करेंगे और फिर उसके बाद ऑब्वियसली जीएसटू आई भी पाकिस्तान के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है और उसके बाद एक मॉडल क्वेश्चन भी यहां पर धपाक से लगा दिया है व्हाट इज द इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल संधि क्या है पढ़ाने जा रहा हूं व्हाट आर द मेजर इरिटेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन कॉन्टेक्स ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी डिस्कस कीजिए जल संधि के संदर्भ में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख अड़चने क्या है वही अड़चने में बताने चल रहा हूं चर्चा कीजिए तो यह प्रश्न भी इसके अलावा ठीक है बढ़िया बाणे बढ़िया पड़ोसी बनाती है फेंस ठीक है तो ऑबियस जल संधियां अच्छे फेंस बना नहीं पा रही है इसीलिए हम इसको लेकर के झगड़ रहे तो न्यूज क्या है यानी पत्र लिख दिया गया है याद रखेगा क्यों लिख दिया है तो आप देख सकते हैं भारत सिंपल अगर आप क्यों लिख दिया है एक लाइन में समझना चाहते हैं तो भारत 1960 की संधि के अनुसार जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण अब कर रहा है लेकिन पाकिस्तान उसको अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में लेकर के जा रहा है और भारत ने उसके इस कदम का बहिष्कार किया यही न्यूज है इसको आप याद कर लीजिएगा तो बस बाकी डिटेल पढ़ने की जरूरत है अब हम आते हैं इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ लेते हैं प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है और मेन्स के लिए तो है मैंने दिखाई दिया तो जल विवाद यानी वाटर डिस्प्यूट यहां पर आपके सामने देखिए क्या सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच पहले इनका फैक्ट क्योंकि ये पूरा फैक्ट है विश्व बैंक के मध्यस्थता में हस्ताक्षरित की गई थी यानी वर्ल्ड बैंक मीडियोकर था और तब भारत और पाकिस्तान ने साइन किया इस संधि पर संधि के अनुसार ये जो पूरब की ओर की नदियां हैं जिसे हम रावी सतलज और ब्यास कहते हैं याद रखिएगा ये भारत को मिले और सिंधु झेलम और चिनाब ये पाकिस्तान को मिले याद रखिएगा परंतु यह संधि विवाद को हल कर पाने में विफल रही क्योंकि सिंधु बेसिन की स्रोत नदियां यानी जहां जो स्रोत नदियां है वो भारत में थी याद रखिएगा और उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वह पाकिस्तान में सूखा और अकाल डाल सकते ठीक। अब आप जरा तो एडिटोरियल में इतना ही था तो एडिटोरियल से क्लियर हो नहीं पा रहा था कि भारत अगर जल विद्युत परियोजना बना रहा है तो पाकिस्तान मतलब कहां बना रहा है कैसे बना रहा है तो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह आपको बताना ब, बताया गया है लेकिन उन, वहां पर जाने से पहले पहले ये पॉइंट बता दूं जो भी जल विद्युत परियोजना परियोजनाएं बना रहा है जिस पर पाकिस्तान अपनी आपत्ति प्रकट कर चुका एक झेलम की सहायक नदी किशन गंगा पर और दूसरा चिनाब पर रातले जल विद्युत परियोजना पीटी के लिए याद रखेगा यह सभी पूछ सकता है रातले जल विद्युत परियोजना कहा परियोजना तो भारत का कहना है कि किशन गंगा और रातले दोनों पन बिजली परियोजनाएं भारत के पक्ष यानी जम्मू और कश्मीर में है तो हम बना सकते हैं याद रखिएगा लेकिन वो कह रहा है कि आप नहीं बना सकते तो तो समझाऊं कैसे क्योंकि झेलम और चिनाब तो पाकिस्तान के हाथ में अभी आपने पढ़ा कि ये देखिए झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हाथ में इसका मतलब है कि भारत सीधा सीधा, सीधा सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर रहा है बच्चे अगर ध्यान से इनको नहीं पढ़ा जाएगा तो ये ऐसा समझ सकते हैं तब मैंने कहा कि कुछ कंटेंट निकाला जाए तो सर्च किया तो ये बीबीसी की साइट से यह कंटेंट हमें मिल गया तो इसमें दूसरा पॉइंट मैं केवल पढ़ाऊंगा बाकी आप पढ़ लीजिएगा समझौते के मुताबिक पूर्वी नदियों का पानी कुछ अपवादों को छोड़ दें तो भारत बिना रोक टोक के इस्तेमाल कर सकता है पूर्वी का मतलब यानी जो सतलज ब्यास और राबी है अब इसके बाद पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए होगा लेकिन समझौते के भीतर कुछ इन नदियों के पानी का कुछ सीमित इस्तेमाल का अधिकार भारत को दिया गया यानी ये जो सतलज सॉरी जो आपका झेलम चनाब और सिंधु है तो यहां पर बिजली बनाने के लिए कृषि के लिए सीमित पानी यह सब भारत इसका इस्तेमाल कर सकता है और भारत ने 1960 की संधि को ध्यान में रखते हुए ही अपनी ये दोनों योजनाएं झेलम और चेनाब पर शुरू हैं अब आई होप आप मुद्दे को अच्छे से समझ गए होंगे ठीक है ना ठीक है अब इसके बाद जब भारत ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया तो पाकिस्तान रोने लगा रोने लगा कहा भैया हम कहा जा रहे हैं हम जा रहे हैं क्या कि विश्व बैंक के पास और यह उनके पास गया कहा कि एक मध्यस्थता न्यायालय का गठन होना चाहिए क्योंकि वो सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर रहा है याद रखेगा ठीक है ना बट भारत ने कहा कि यार तुम अजीब हो बच्चे हो क्या मध्यस्थता अदालत में कहा है? जा रहे हो तो अंतिम प्रक्रिया तो भारत ने कहा कि तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति कर दी जाए ठीक है ना क्या कर दिया जरा याद रखेगा यानी पाकिस्तान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चाह रहा था लेकिन इंडिया ने क्या कहा कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट यानी जो ना भारत का मतलब कोई भी यूएन के नेतृत्व में कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट रखा जाए और भारत जो कह रहा था वो इस आधार पर कह रहा था कि सिंधु जलसंधि में ये प्रावधान था कि जब दोनों के बीच में कोई विवाद हो तो सबसे पहले एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को रखा जाएगा लेकिन पाकिस्तान सीधा थर्ड पार्ट पर पहुंच गया तो याद रखेगा ठीक है ना तो उन्होंने कहा कि जो तुम मध्यस्थता अदालत में गए हो ना ये तुम्हारा एक तरफा फैसला हम इसका समर्थन नहीं करते भारत ने कह दिया नियम से आओ तो अब देखिए नियम क्या है यानी मध्यस्थता न्यायालय में जाकर के क्या पाकिस्तान ने अच्छा किया है तो भारत के अनुसार नहीं किया लेकिन नहीं किया तो उसको मुझे तार्किक रूप से आपको बताना पड़ेगा ना भाई तार्किक आधार क्या है तो तार्किक आधार है आपके सामने इंडस वाटर जो हमारी ट्रीटी है सिंधु जल संधि के तहत कोई भी विवाद होगा तो उसका निपटान कैसे होगा तो अनुच्छेद नौ में एक सिस्टम दिया गया है थ्री लेबल मैकेनिज्म है कि जब भी याद रखिएगा कोई भी परियोजना अगर भारत शुरू कर रहा है ठीक है ना तो सबसे पहले उसे पाकिस्तान को सूचित करना होता है पहला लेबल यह कि वह एक परियोजना बनाने की योजना बना रहा है ठीक है भारत ने 2016 में शुरू किया तो इनको सूचित भी किया पाकिस्तान के पास यह हक है कि वह इसका विरोध कर सकता है और भारत से और ज्यादा डिटेल इस परियोजना के संदर्भ में मांग सकता है ठीक है ना तो ये आप देख सकते हैं ठीक है ना और इंडस कमिश्नर बनाए जाएंगे इंडस कमिश्नर हैं इंडस कमिश्नर यानी सिंधु नदी के आयुक्त दोनों के बीच इन मुद्दों को देखेंगे तो पहला हो गया इंडस कमिश्नर के लेवल पर बात होगी फिर उसके बाद यदि सिंधु के जो आयुक्त नियुक्त किए गए हैं जो कमिश्नर्स हैं वह विवाद का समाधान नहीं कर पाते हैं तब दूसरा यानी सेकंड लेवल आएगा इसे बोलते हैं तटस्थ विशेषज्ञ यानी न्यूट्रल एक्सपर्ट और यह न्यूट्रल एक्सपर्ट वर्ल्ड बैंक बनाएगा शायद मेरे मुंह से यूएन निकल गया था माफी चाहेंगे उस शब्द को आप भूल जाएगा यानी वर्ल्ड बैंक क्या करेगा मेरे बच्चे न्यूट्रल एक्सपर्ट बनाएगा भारत ने कहा तुम्हें यही करना था लेकिन अब यह पहुंच गए सीधा थर्ड लेवल पर तीसरे स्तर पर यानी अगर यह न्यूट्रल एक्सपर्ट समस्या का समाधान करने में विफल रहता है तो ऑब्वियस है तीसरे चरण में जाता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता न्यायालय में लेकिन पाकिस्तान रोते रोते पहुंच गया नीदरलैंड में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में और इसकी सुनवाई 27 जनवरी 2023 को शुरू हुई यानी कल कल है ना कल इसकी सुनवाई शुरू हुई भारत ने कहा जाओ तुम अकेले वकील अपील दलील करो हम इसमें शामिल ही शामिल ही नहीं होंगे भारत ने इसका बहिष्कार कर दिया तो बहिष्कार करके ठीक किया कि नहीं किया आप कहेंगे यस क्योंकि भारत क्या कर रहा है यानी सीरियल से चलना चाह रहा है और ये सीधे वहां पहुंच रहे हैं तो आपके सामने कैसा लगा बच्चों टॉपिक मजा आया कि नहीं मजा आया ठीक है ना तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को देखना है और समझना तो अब उसके बाद एक पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया है क्या भारत आईडब्ल्यू टी आईडब्ल्यू यानी सिंधु जल संधि को एक सामरिक उपकरण के रूप में उपयोग कर सकता है है यानी प्रधानमंत्री ने कहा था जब उरी की घटना हुई थी खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं और जो सिंधु आयुक्त हो रहे थे जो सिंधु आयुक्त है ना इंडस कमिश्नर उनके बीच हर वर्ष वार्ता होती भारत ने वो वार्ता स्थगित कर दी थी और फिर वही सारी बातें बताई हैं याद रखिएगा इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया ठीक है तो ये हो गया मस्त अब आगे बढ़ते हैं यानी वन लाइनर राइज़ इन वाटर बर्ड काउंट रिकॉर्डेड इन केरला कैपिटल तो एशियन वाटर बर्ड यानी जो पानी में रहने वाली पक्षियां हैं उनका सेंसस हुआ है 2023 जिसमें जो केरला के तिरुवनंतपुरम जिले में जो वाटर बर्ड है 65 फाइव परसेंट इंक्रीज किए बस याद रखिएगा अब इससे भी इंपॉर्टेंट है एशियन वाटर बर्ड सेंसस कौन कराता है yeah. या डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंडिया और इसके अलावा सोशल फॉरेस्ट्री बिंग किसकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये दोनों मिलकर कराते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं चीता चीता भी पीता है तो बारह अब चीता फिर आ रहे हैं अब कि बारह अफ्रीका से आ रहे हैं उसके पहले मतलब साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं हम इसके पहले नामीबिया आए थे कहां रखे जाएंगे मध्य प्रदेश के कनो नेशनल पार्क में इट और अब उन बच्चों का थैंक यू जो लिख रहे हैं अंजलि राज सिंह कुशवाहा इसके साथ रिप राजा राजा आरती गुप्ता विजय बहल पायल प्रजापति विजय बहल बाऊ नेहा सिंह अजीत यादव विकास कुमार यूपीएससी लवर ए के यादव शिवानी सिकरवार तुलसी और एक ऑफर है जो बच्चे ये आंसर लिख रहे हैं ना आप अपना स्क्रीन लेते रहिएगा जो मेरी टीम बनेगी मेन्स के टाइम पर तो जो ज़्यादा अच्छा आंसर लिख रहे हैं ऑबियस वो टीम का पार्ट होंगे जिसमें यूट्यूब के बच्चे भी शामिल होंगे ठीक है तो आप लोग लिखते रहिएगा अब इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एकेडमी बच्चों ऑफर है आप अभी एडमिशन आज तक ले सकते हैं तो यूपीएससी की तैयारी करें और आ जाइए मिलते हैं आप सबसे कहाँ पर भैया मिलते हैं अब कहाँ पर यानी स्पेशल क्लास में कुछ करते हैं मंत्रालय की रिपोर्ट और दूसरी चीज़ ये बिहार पीसीएस के जो भी एस्पिरेंट होंगे इतनी बात ये मेरी काट कूट के पहुंचा दीजिएगा बारह तारीख को प्रिलिम्स हो रहा है आप लोगों का बारह फरवरी को और मैं तेरह तारीख से ए कराना शुरू करूंगा बिहार स्पेशल ए ठीक है तीन सौ नंबर का ए बहुत विस्तार से कराऊंगा मतलब टेंशन नहीं लेना तो बिहार स्पेशल ए मैं कराने वाला हूँ और आई क्यू से हो ही जाएगा तो जी एस वन टू से हो जाएगा ट्रेडिशनल आप पढ़ ही लेंगे और ऐसे मैं कराने की पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ जबरदस्त रूप से कराने जा रहा हूँ ते, तेरह तारीख से बिहार पी का ए सी ठीक है तो जो भी बिहार वाले बच्चे हैं ठीक है आपके लिए ये काम करने जा रहा हूँ और उसका फायदा मुझे भी है कि जैसे मैक्सिमम ऐसे जब मैं करा ले जाऊँगा फिलासफिकल हुआ बिहार की समस्याओं से हुआ तो इसको फिर बिहार पर अगर मैं कोई भी पॉइंट बताऊंगा तो उस पॉइंट को मैं यूपीएससी में भी यूज़ करूंगा ठीक है तो इसलिए वो मेरे लिए फायदेमंद होगा एक एक प्रकार से कंटेंट मेरा रेडी हो रहा है जो उनतीस मई को बच्चे कूच करेंगे पता नहीं नजर ना लग जाए कभी कभी डरता भी हूं काला टीका हमेशा लगा ही रहता है जो ठीक है पता नहीं कितने बच्चों का होगा क्या बोलूँ प्री नहीं हो रहा आप लोगों का बड़ी तकलीफ यार हम लोग भी बुरा मत मानिएगा लेकिन बड़ी कम सीट होती थी गुरु तब भी प्री नहीं रोकता था कुछ करिए कुछ नया सोचिए और इस नए सोचने में आपका साथ देने के लिए कल सुबह कितने बजे मिलूंगा एक मिनट में बता देता हूं <laughs> एक मिनट कल मैं आप लोगों से मिलूंगा वो मैंने कहा था ना पेपर के शब्दों को डिस्कस करूंगा कल सुबह साढ़े कल सुबह आठ बजे डी कोडिंग द टर्मिनोलॉजीज फ्राम यू पी एस सी पेपर्स यानी कल एक पेपर लूंगा वो बाईस इक्कीस बीस मुझे नहीं पता किस साल का होगा रैंडम निकालूंगा और उसमें जो जो टर्मिनोलॉजीज हैं मतलब आपको समझाऊंगा कि हिंदी में कैसे समस्या हो सकती इंग्लिश को कैसे देखना केवल टर्म पर कोई आंसर नहीं कोई कुछ नहीं यानी क्वेश्चन और ऑप्शन इन दोनों पर क्लास लूँगा और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि हम कैसे पेपर को बहुत अच्छे ढंग से रीड करें उसको हम कैसे उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव समझ बना सके यानी पेपर को पढ़ना और समझने का कौशल ये ना होने के कारण भी हमारा प्रीलिम्स नहीं होता तो आज यानी कल सुबह आठ बजे मैं मिलूंगा आप लोगों से रीडिंग यानी पेपर को कैसे रीड करना है कैसे उसे समझना है इस पर एक क्लास होने जा रहा है ठीक है यूपीएससी का पेपर ले करके बैठूँगा सौ क्वेश्चन का ठीक है थैंक यू सो मच